हाय सर अभिषेक जी, हाँ हाय अभिषेक। हाय हाय, हेलो, हाउ आर यू? फाइन 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 सर। सो वी विल स्टार्ट नाउ और आफ्टर सम टाइम। या वी आर गोइंग टू स्टार्ट, जस्ट वेट 1 or 2 मिनट, वी विल स्टार्ट। ओके 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 तो लेट मी सी व्हाट हैपन। Just give me 1 minute. What happened? Yeah, now it's fine. All right, so let's start. Welcome you all in the Gwinnett Technologies. Hope I am audible, right? मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, yes, it is. Good, very good. Thanks you all for joining the session today. Let's start it without any further delay, okay? So this session is basically designed for the career counseling, like you know, future path discussion, right? कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा confused हैं, so I can see most of all of you know belong to the India. Anyone like having a problem in English or Hindi, or to do the both Hindi English both would be fine for everyone, right? Dono mein kar le, Hindi English both. So I think it is going to benefit it for the many people. Yes sir. All right, thank you Vishnu. So first of all, right, if I talk about the career path, right? So if I talk about the career path and the certification path and the job parts, like we having a lot of kind of, you know, confusion in my mind, right? In your mind, in my mind, let's suppose I'm just searching some job, I'm planning for my career. So a lot of confusion we have, right? Always we are very confused about it. We are not very sure what we have to do and what is the right path, what is the right approach. So basically I'm here to help you all. कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, बेसिकली किस तरीके से आप अपने करियर को एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हो, राइट? और आप एक बिल्कुल बिगनर हो, राइट? आप बिल्कुल बिगनर हो, इफ यू जस्ट प्लानिंग टू स्टार्ट योर जर्नी, राइट? तो आप किस तरीके से अपने जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, राइट? ट्रस्ट में कि उनको राइट गाइडेंस ही नहीं मिल पाता है, कोई उनको करियर काउंसलर नहीं मिल पाता है जो उनको बता सके कि आपको करना क्या चाहिए, और वो इधर उधर गूगल करके सर्च करते रहते हैं, और माइट बी दे आर सर्चिंग ऑन द यूट्यूब। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से चीजें बताते हैं, मैं भी अपने हिसाब से ही बताऊंगा, बट बहुत सारी चीजें मैं रियलिस्टिक बताऊंगा जिस फील्ड से, जिस डोमेन से मैं हूँ। शायद आप लोग अगर उस डोमेन में इंटरेस्ट रखते हो, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अगर ज्वाइन किया है तो आप लोगों को इंटरेस्ट होगा, और जो वॉच भी कर रहे हैं हमारी पर्टिकुलर लाइव सेशन को, वीडियो सेशन के, दे आल्सो हैविंग लाइक यू नो सम इंटरेस्ट कि भाई क्या करना चाहिए। बट सर मैं अभिषेक बोल रहा हूँ, एक मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे कि मेरे पास एक्सपीरियंस में काम कर भी रहा हूँ एसएल में भी, बट ये जो एआई और चैट जीपीटी आ रहा है, क्या हम लोग का जॉब जाने वाला है? आई मीन क्या है ये, लेकिन बड़ा ही कंफ्यूजन डिस्कशन है जो कि समझ नहीं पा रहे हो एक्चुअली होने वाला क्या है। रियली गुड क्वेश्चन, राइट? एआई एंड चैट जीपीटी, राइट? यस सर। सो अगर मैं
इसी पे लेट्स स्टार्ट डिस्कशन कि जॉब का क्या गारंटीज है, राइट? सो वी हैविंग लाइक मेनी पीपल वर्किंग इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स, राइट? कि कुछ लोग हम नेटवर्किंग में काम करते हैं, कुछ लोग सिक्योरिटी में काम करते हैं, तो क्या हमारी जॉब सिक्योर है, राइट? लाइक वैसे अभिषेक जी ने बोला कि आई एम वर्किंग इन द SCL, राइट? एंड ही इज वेरी कंफ्यूज. हाउ मच एक्सपीरियंस अभिषेक यू हैव? सर ऑलमोस्ट 7 years. 7 year एक्सपीरियंस, राइट? एंड आप कौन से डोमेन में वर्क करते हो? सभी नेटवर्क स्पेशलिस्ट है, जिसमें अरुवा वायरलेस भी है और स्विचिंग वगैरह भी है, इंफोब्लॉक्स भी है, आई मीन DNS भी है, तो ऑलमोस्ट तीनों है. ओके, वाईफाई, DNS, नेटवर्क्स भी आपको आता ही होगा, राइट? हाँ, स्विचिंग भी, इसलिए आपसे पढ़ना भी है मेरे को. ओके, नो प्रॉब्लम. आपसे बात ही हुई थी, ठीक है? हाँ, बात रिगार्डिंग आपसे बात हुई होगी, तो CCNA का कुछ मेरा है बेसिक, उसके बाद सेंट भी जाएंगे, तो वो क्लासेस फोटोग्राफी से काम करना है, 10 क्लास लगेंगे, वो आपसे बात हो जाएगी, समझ में आ जाएगा क्योंकि मेरे को कितना चाहिए होगा. Right. No problem. So now you are asking about, right, what is the future, right? If I talk about the future, like how the future is going to happen in terms of the, you know, automation tools we having, like we call that AIA automation, and like you given the example of ChatGPT and all, right? So aajkal bada hi famous hai ChatGPT, right? Maine ek video bhi banayi hai, agar aap jaake mere channel par dekhoge, artificial intelligence, right? हमारे पास है AIA, हमारे पास ऑटोमेशंस हैं, राइट? सो क्या ये सारे मिलकर हमारी जॉब्स को खा सकते हैं? यस, डेफिनेटली दे किल योर जॉब्स. बट आपको ये सोचना पड़ेगा कि विच टाइप जॉब्स दे विल गोइंग टू किल. ये समझना बहुत जरूरी है. क्या हर तरह का जॉब ये किल कर देंगे, या कोई स्पेसिफिक डोमेन्स को ये किल कर सकते हैं? ये समझना बहुत जरूरी है. डेफिनेटली अगर कोई टूल आता है तो वो डेफिनेटली आपके जॉब्स को खत्म करेगा, बट ऐसा नहीं है कि वो जॉब्स खत्म हो जाएगा कम्प्लीटली और आपके पास कुछ रहेगा नहीं करने के लिए. स्टिल देयर इज लॉट ऑफ स्कोप, कि अगर नई टेक्नोलॉजी है तो नया स्कोप खुलता है, नई चीजें करने को आपको मिलती है, राइट? सो वो जॉब क्रिएट भी करता है, एक साथ जॉब खत्म भी करता है, तो न्यू जॉब्स क्रिएट्स भी होते हैं. सो जॉब्स के कई सारे वैरायटीज हैं. अगर आप लोग रिसेंटली, अगर आप लोग अभी जो हमारा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, दे कीप डूइंग द रिसर्च फॉर द यू नो टॉप यू नो आईटी इंडस्ट्री, अ टॉप लाइक जॉब कैटेगरी इन द वर्ल्ड, राइट? क्या क्या टॉप्स हमारी जॉब्स की कैटेगरीज हैं, राइट? सो अगर उसमें अगर जाके आप टॉप 10 जॉब्स अगर सर्च मारते हो गूगल पे, अगर आप, लेट मी जस्ट शो यू, तो आपको बहुत सारे लिस्ट यू नो मिलेगा, राइट? Top 10, IT related jobs. So, आप यहाँ देखोगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे लिस्ट मिल रहा है, राइट? IT jobs, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर है, डेटा साइंस है, इंजीनियरिंग में बहुत सारा था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, मशीन लर्निंग है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर है, सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल अगेन AI, डेटा एनालिसिस है, नेटवर्क इंजीनियर जो आप लोग करते हो, वेब डेवलपर है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारे लिए है, कंप्यूटर हमारे लिए है, कंप्यूटर सिक्योरिटी हमारे लिए, डेटा साइंस जो हमारे लिए भी हो सकता है अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, इंजीनियर कंप्यूटर सिस्टम एनालिसिस, क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे लिए, फुल स्टैक डेवलपर सॉफ्टवेयर. सो ये एक ऐसी जॉब्स हैं, राइट? ट्रस्ट मी, दीज आर द जॉब्स की अगर आप इन सब जॉब्स को करते हो, राइट, किसी भी फील्ड में आप स्टार्ट करते हो, तो यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी सिक्योर. नेक्स्ट 10 ईयर, नेक्स्ट 15 ईयर्स, यू आर वेरी श्योर, राइट? यू आर वेरी सिक्योर इन टर्म ऑफ योर जॉब्स. तो चैट जीपीटी इन AI इज नॉट गोइंग टू किल दिस काइंड ऑफ जॉब्स. हाँ, उस टाइप के जॉब्स को किल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा ब्रेन है, चैट जीपीटी को किसने बनाया? ह्यूमन ने बनाया, राइट? AI को किसने डेवलप किया? ह्यूमन ने डेवलप किया. और किसके थ्रू डेवलप किया? इन्हीं सब टेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलप किया. ये सारे टेक्नोलॉजी के बिना क्या AI चल सकता है? नहीं चल सकता. क्या सर, AI जो किया है डेवलप, वो खुद ही हैरान है कि इसको मैं क्या आगे कंटिन्यू करूं या ना करूं, इतना आगे ये की करेगा वो भी अवेयर नहीं है एक्चुअली में. नहीं, बट AI जो हमारा है, AI को चलाने के लिए भी, आर्टिफिशियल, जस्ट थिंक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाने के लिए कुछ तो इंफ्रा चाहिए आपको. एक AI की जस्ट थिंक अबाउट कि पूरे दुनिया में AI हो गया, ठीक है, AI हो गया पूरा, आर्टिफिशियल इंजीनियर चारों तरफ लगा, लेकिन उसको चलेगा कैसे? आर्टिफिशियल इंजीनियर सर, हियर आई एम गौरव. यस गौरव, गौरव श्रीवास्तव. यस, मैं कहना चाहता हूँ सर आपको, सर मैं आपका नाम जान सकता हूँ? कौन बोल रहा है? एक्चुअली मुझे पता नहीं है.
अरे मैं पंकज बात कर रहा हूँ, बताइए। हाँ पंकज जी, आपका मैं वीडियो बहुत देखा हूँ, तो अगर देखा जाए अंडरले ओवरले एसडी वैन में, तो अंडरले तब तक नहीं खत्म होगा और उसमें कोई एआई की यूज नहीं होगी, क्योंकि फिजिकल लेयर पे कनेक्टिविटी चाहिए। हेलो गौरव, कंटिन्यू करिए आप। हेलो, you losing your voice. I think he have a poor connectivity, so even I can't hear him. Yes, yes. Hi Anand, long time I have, you know. Hello Pankaj sir. कैसे हैं? All good. All good sir. आपके कारण से अच्छे नौकरी भी मिल गई। अभी कर रहा हूँ कुछ दिन के बाद फिर कंटिन्यू करूंगा जब नया कुछ करना होगा तो। Congratulations, congratulations. मिठाई कब खिला रहे हैं आप ये बताइए? मिलेंगे तो जरूर खिलाएंगे। Good, आपके पास टाइम होना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल, आप बताओ, मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो गुड। तो गौरव, आई थिंक वी आर लूजिंग यू, राइट? सो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, अंडर कंटिन्यू करो, आप जो बता रहे हो आप कंटिन्यू करो। आप आई थिंक आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। अंडर ले में क्या सबमरीन केबल हर कंट्री से कनेक्ट है? यस यस, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम, माय डेटा, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम कनेक्टिंग विद द मोबाइल एज वेल एज इट्स फाइन, इट्स फाइन, इट्स फाइन नाउ, इट्स फाइन नाउ, या या कंटिन्यू प्लीज। ओके, व्हाट आई एम सेइंग टू यू सर, आई एम फ्रॉम टेक महिंद्रा एंड आई एम वर्किंग ऑन द SD-WAN फॉर द BT project, Philips project, and I am using the Linkswap technology in the SD-WAN. ISP migration is there and failover testing is there. Right, and some right. Cisco umbrella bandwidth testing is there. So underlay कभी नहीं खत्म हो सकता है as per my knowledge, क्योंकि हर जगह पे physical connectivity देनी ही देनी है। अगर हम कोई broadband भी लगवा रहे हैं तो वहाँ पे सिंगल मोड मल्टी मोड का केबल यूज होगा ही होगा और सब चीजें होगा। तो AI सर अभी बहुत आगे की चीज है, अभी 2030 तक अगर हम लोग धीरे धीरे सिर्फ हाफ एन आवर या 15 मिनट्स भी दें तो हम लोग बहुत एबल हो जाएंगे AI तक पहुंचने के लिए, काम करने के लिए। तो अभी बेसिकली क्या है, CCN ने CCNP जो प्रोफेशनल लेवल का है ये तो चलता ही रहेगा, कोई भी SD-WAN आ जाए सर, नेटवर्क ऑटोमेशन आ जाए, ये आपका बेसिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स BGP OSPF HTTP RHTTP MHTTP जितनी चीजें हैं ये सब के सब चलेंगे ही चलेंगे, ये प्रोटोकॉल मतलब ऑब्सोलेट नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। नहीं गौरव जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो प्रोफेशनल लेवल पे हम लोग हैं, ठीक है, किसका जॉब जाएगा थ्रू AI, किसका जॉब बचेगा थ्रू AI इस सेक्टर में, क्योंकि ये सेक्टर सबसे बेस्ट है, हम कर सकते हैं, लेकिन उसका जॉब भी नहीं है इसमें, है ना? अगर जॉब जाता है उतना बंदे है भी नहीं इंडिया, उतना भी नहीं सारे बंदे। अभिषेक जी, अभिषेक जी, अभिषेक जी, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई इट, सॉरी गौरव जी, लेट मी जस्ट इंटरप्ट हियर। आपका जो थोड़ा सा यहाँ पे मिसकंसेप्शन है कि आईटी फील्ड, जिस फील्ड में नेटवर्किंग सिक्योरिटी इन क्लाउड्स की जो बात कर रहे हैं आप, देयर इज लेस जॉब। सो थोड़ा सा मैं ऐसे डिसएग्री करता हूँ, देयर इज वेरी हाई जॉब्स, वेरी देरी देयर आर वेरी हाई रिक्वायरमेंट, राइट? बट इट्स टोटली डिपेंड कि आप किस लेवल पे हो, राइट? किस लेवल पे हो, क्या स्किल सेट है आपके? मान के चलो कि कोई बहुत अच्छे पैकेज पे, राइट, ही इज हैविंग द मोर देन 30 लाख, 40 लाख एंड 20 लाख, 30 लाख पैकेज, तो उसके लिए थोड़ी कम जॉब्स हैं एंड ही हैव टू बी इन स्टे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फॉर द वन पोजीशंस। बट अगर यू डन द CCNA, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, CCNP आपने किया, 3 साल का एक्सपीरियंस है आपका, 4, 5, 6, 7, 8 लाख का पैकेज, 10 लाख का पैकेज है, ट्रस्ट मी, मार्केट में सर्च करोगे तो थाउजेंड ऑफ थाउजेंड जॉब्स आर अवेलेबल, राइट? एंड वन ऑफ द, एज अभिषेक ने जैसे मेंशन किया कि ये बहुत ही सेफेस्ट जॉब है, तो जैसे आपके घर में प्लम्बिंग होता है, आपके घर का प्लम्बिंग के लिए प्लम्बर हमेशा चाहिए होता है, इलेक्ट्रिशियन हमेशा चाहिए होता है, राइट? आपको मेडिकल फैसिलिटी हमेशा चाहिए होता है, तो डू यू थिंक बिना नेटवर्क के, बिना सिक्योरिटी के, बिना क्लाउड के क्या कोई कंपनी चल सकती है? कंपनी पूरी पूरी शट हो जाएगी, फिर भी अगर उसको अपने अपने आपको अगर जीना है तो भी उसको नेटवर्क इंजीनियर चाहिए चाहिए, क्योंकि उसका राउटर कौन मैनेज करेगा, उसका लिंक कौन मैनेज करेगा, राइट? So this is the one of the recession free job I can say कि इसकी ऐसी demand है कि इसको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी कर लो। And just think about कि we are talking about the digitalization, कि हर जगह we are having a vision कि हर गांव में इंटरनेट होगा, right? हर गांव में Wi-Fi होगा, so क्या वैसे ही चला जाएगा, अपने आप ही चला जाएगा? Who going to manage those Wi-Fi? Who going to manage those, you know, internet connections? Who going to manage those data center जहां पे उनकी connectivity होगी, servers होंगे, कौन manage करेगा? We require network engineers. We require the security engineers. So that's why we having a lot of opportunities, right? We having a lot of, you know, in future growth professionally and personally. So job ki to koi dikkat nahi hai. Now coming to the point, AI kya kill karega? Definitely there is going to be killed AI. But main ye bol raha hu ki kya AI bina networking ke chal sakta hai kya?
this is a million dollar question. Is it possible we can build the AI without automation, without network? Can I add something there? Yes, Vishal sir, you can add, definitely. So the point here, everyone, is ki when we look at any new emerging technology, whether aap AI ki baat karo, ML ki baat karo, data science, data mining, kisi ki bhi baat karo, these are all emerging technologies. This is the same thing that was talked about jab computers were introduced during the Y2K boom. कि भाई अब नौकरियां चली जाएंगी लोगों की, बट कंप्यूटर जब आया था जो 10 लोगों का काम अकेले कर सकता था, उसको चलाने के लिए भी तो एक आदमी चाहिए ना. सो व्हेनेवर एनी काइंड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी कम्स इनटू प्ले, देयर इज ऑलवेज अ फियर व्हिच इज, एंड इट इज अ लेजिबल फियर व्हिच इज क्रिएटेड इन द मार्केट, दैट व्हाट विल हैपन टू पीपल व्हेन इट इज ऑल अबाउट एफिशिएंसी, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम. तो इफ यू लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, ऑफ कोर्स जो क्राउडेड जॉब्स हैं, जैसे अभी अगर आप AI चैट जीपीटी की बात करो, तो मेजर सेक्टर दैट इट इज गोना हिट मेजरली इज दोस काइंड ऑफ सेक्टर्स लाइक BPO, कस्टमर सर्विस, जहां स्क्रिप्टेड एक ही चीज थोड़ा बहुत वेरिएंस के साथ इधर हुआ, ठीक है. इट इज स्टिल नॉट प्रेडिक्टेड दैट यू नो इट इज गोना टेक अप जॉब्स ऑफ हाई फंडेड मैनेजर्स और दोस काइंड ऑफ पीपल हु एक्चुअली, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई किसी का स्किल सेट नहीं है अगर वो किसी BPO में काम करता है या किसी KPO में काम करता है, but that kind of a skill set has to be upgraded on a different level in terms of, you know, services that are being provided, meted out with them at masses with something new. Kaun hoga, kya karega, abhi still speculation hai. So AI ke bare mein wahi same cheez abhi jo jisko hua kehte hain hum log hindi mein, wo create ho raha hai jo us time computers ke bare mein hua. Computers aaye the to bahut log ki naukriyan gayi thi, but wo kis tarah ki naukriyan gayi thi wo aapko sochna padega, and we all upgraded from there. So if you look at 20 years back approximately, उस टाइम मोबाइल एक बड़ी चीज हुआ करती, बट वी ऑल अपग्रेडेड. आजकल मोबाइल के बिना इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन समबडीज लाइफ. इट इज द सेम थिंग दैट इज हैपनिंग इन पर्सपेक्टिव विद व्हाट इज हैपनिंग इन जो AI चैट GPT इसको लेके अभी हो रहा है. सो ऑफ कोर्स चीजें डरने के लिए नहीं है, चीजें अपग्रेड करने के लिए है, टू मेक इट मोर एफिशिएंट देन व्हाट द सिस्टम यूज्ड टू बी अर्ली. सो न्यू टेक ऑलवेज डज दैट टू अस. या वेरी प्रिसाइज एंड यू नो वेरी यू नो आई कैन से like elaborative answer, like examples जो हमारे विशाल सर ने दिया, right? So basically क्या है कि आप कुछ भी कर लो, right? So बहुत ही layman में बता रहा हूँ और ठेठ भाषा में बता रहा हूँ कि देखो AI को चलाने के लिए भी फिर आपको networking चाहिए, क्योंकि देखो AI का जैसे example देता हूँ, just think about कि once you enter in the malls, बहुत सारे malls के अंदर AI tool लग चुके हैं आज के date में, ठीक है. जैसे ही आप mall के अंदर जाते हो, right? आपकी मोबाइल के स्क्रीन पे ना फ्लैश आने लगता है, कुछ एड्स आने लगते हैं, राइट? जैसे ही एप्लीकेशन खोलते हैं या कुछ मैसेज आने लगते हैं कि आपके अभी इस पर्टिकुलर एलन सॉडी के शोरूम में इतने परसेंट का ऑफ चल रहा है, आप यहाँ बिग बाजार में जाओ, यहाँ पे कुछ आपकी ऑफर चल रहे हैं. कैसे पता चलता है कि आप वहां पे आ गए? दिस ऑल आर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. उनके पास ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी होती है, कुछ ऐसा डेटाबेस होता है, आपके मोबाइल सिग्नल्स होता है, या फिर आपके जो रेडियस होते हैं मोबाइल के जहां से कनेक्ट होता है, आपका सेल के ओरिजिन को रखते हैं कि इस कस्टमर का ये नंबर यहाँ पे अभी इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पाया है. ऑन बेसिस ऑफ दैट, राइट, दे ग्रैब द इन्फॉर्मेशन. कहाँ से पता चलता है? कोई तो वाईफाई चाहिए उनके लिए, कोई तो सिग्नलिंग मेथड चाहिए जिससे वो ग्रैब करेंगे और आपको कंप्यूटर में दिखाएंगे, तो उसके लिए तो नेटवर्किंग चाहिए, ऐसे हवा में थोड़ी चल जाएगा. देयर शुड बी सम मीडिया, राइट? कुछ ना कुछ तो मीडिया होना चाहिए. तो जो भी IoT डिवाइस होती है, AI डिवाइसेस होती है, दे ऑल आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट. जब तक वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा, देन हाउ दे कैन एक्सचेंज द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर्स. सर्वर कैसे डेटाबेस मेंटेन करेंगे, डेटाबेस से कैसे इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करेंगे? सो इवन AI इज गोइंग टू बी ग्रो, आवर जॉब्स इज गोइंग टू बी क्रिएट मोर एंड मोर इंस्टेड ऑफ द गोइंग टू बी लेस, राइट? सो अभिषेक, आई होप आपने आपका जो क्वेश्चन था आपको आंसर मिल गया होगा कि व्हाट इज द लाइक साइड इफेक्ट इज गोइंग टू हैपन फॉर द नेटवर्क और सिक्योरिटी और लाइक क्लाउड इंजीनियर्स. बट एक ही तो बुरा है ना इसमें कि जितना हम इसका यूज करें उतना ये ग्रो कर जाएगा इन टर्म्स ऑफ नॉलेज. आपको नजरिया देखने की जरूरत है. हो सकता है कि एक तरफ इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, बट दूसरी तरफ देखेंगे, जैसे आज मेरा बर्थडे है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसके पहले भी बर्थडे हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आज जिस तरह की चीजें मुझे आई हैं इन टर्म्स ऑफ डीप फेक यूज करके, एंड इट्स ऑल अबाउट पीपल हु आर थिंकिंग ऑफ मी टुडे एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम. जिस तरह की चीजें मैं देख रहा हूँ, ऑफ कोर्स वो नहीं तो है मेरे लिए, बट द अदर थिंग दैट हैपेंस एट द बैक ऑफ माय माइंड इज कि अगर ये नॉर्म बन गए, क्योंकि मैं पहली बार देख रहा हूँ अपने बर्थडे पे इस तरह के मीम्स एंड ऑल दैट जो डीप फेक से बनते हैं, वॉइस ओवर एंड ऑल दैट, बट अगर इस तरह की चीजें नॉर्म बन जाती है, जैसे
पहले ये होता था कि लोग, अभी क्या होता है, बर्थडे के लिए सबको व्हाट्सएप भेज दिया और काम खत्म हो गया सबका, इन जनरल यही चलता है, ठीक है, बहुत क्लोज हो आपके तो आपने फोन कर लिया, ठीक है। बट ये जो नया अभी नेक्स्ट जनरेशन का, जिसको जनरेशन जी कहते हैं, उसका जो रिक्वायरमेंट है, जो उस जिस तरह से वो शेप हो रही है, तो नई इंडस्ट्रीज क्रिएट हो रही है, मीम्स की इंडस्ट्री जो है, तो वहां भी प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी। वो मीम की कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, या आपका डार्क वेब है, या डीप फेक का जो है, मैं अभी सिर्फ नेगेटिव चीजों की बात कर रहा हूँ जो हम नेगेटिवली देखते हैं, बट उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी यूज किया जा सकता है, वो पूरी इंडस्ट्री भी क्रिएट हो रही है, तो वहां भी प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी। तो इधर से जॉब्स जाएंगे तो वहां से ऐड होंगी, ऐसा नहीं है कि AI is there to only eat jobs, it is also going to provide you know job opportunities, but for that we have to be on our toes, क्योंकि आप अगर इवॉल्व नहीं करेंगे, नई टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अलाइन नहीं करेंगे, सो यू विल डेफिनेटली बी लेफ्ट आउट। ऐसा नहीं है कि आज के डेट में जो है अकाउंटेंट्स की जरूरत नहीं है, सारा कुछ, इतने सारे सॉफ्टवेयर है, अकाउंटेंट्स की जरूरत है, शायद उस तरह के फिजिकल अकाउंटेंट्स की जरूरत कम पड़ेगी, क्योंकि ज्यादातर काम सब सॉफ्टवेयर से हो जाता है, बट इफ यू लुक एट अ बिग, एनी बिग और मिड लेवल फर्म, अकाउंटेंट्स चाहिए वहाँ एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस जो है जो इवॉल्व हो रहा है विद यू नो नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर, जो खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, वैसे लोगों की जरूरत हमेशा रहेगी टू ड्राइव द सिस्टम, एंड देयर विल बी ऑलवेज एक्सपेंशन ऑफ सर्विसेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच विल नीड मोर प्रोफेशनल्स। सो व्हाट we should be looking at is ki how we upgrade ourselves to meet those requirements, kyunki agar wahi reh jayenge to wo zamana lag gaya jahan aap ek graduation ki naukri karke aate the hamare pitaji wagaira ke zamane mein, aur zindagi bhar aapki naukri rehti aur aap ek hi company mein zindagi bhar kaam karke HMT HMT ki type company se retire hua, so things have changed. Aajkal ki date mein agar aap 2 saal nahi kaam karte, aapke CV mein likha hua hai, to corporate world mein aapko kaha jata hai you are a stable employee, 2 saal se kam koi kaam karta hai usko kehte hai unstable hai wo job hopping kar, but agar corporate mein hum naukri kar rahe hain और 2 साल एक जगह टिक के काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 6 साल नौकरी करी है और 2-2 साल का है, तो यू वोंट बी कॉल्ड एन अनस्टेबल एम्प्लॉय। ये नहीं होता था पहले, अगर 8-10 साल में आपने नौकरी चेंज कर ली, हर 8-10 साल में, और आपका 40 साल का करियर है, तो लोग कहते हैं यार हर 8-10 साल में नौकरी चेंज कर लेता है, दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट, इट्स नॉट एनी मोर, तो वो देखने का नजरिया है चीजें। राइट, थैंक यू विशाल सर। यप, सो गौरव यू वांट टू कंट्रीब्यूट, आनंद यू आल्सो ट्राइंग टू से समथिंग, यू कैन कॉल, वी आर हियर। यस पंकज सर, what I'm saying to here, I have a knowledge of CCNA and CCNP route switching. So I need to know if I will just upgrade my skill up to for the SD-WAN. So for the SD-WAN technology, what can I cover around it? I need to know actually. Because when I'm giving the interview in the Accenture for the L3 level or L2 level, and I have given the interview in Orange, so I got many questions Cisco umbrella issues and Zscaler, how to Zscaler use, how to Zscaler work in the environment, how to secure the network from one side to another side with the tunnel. So I need to know if I want to go for SD-WAN for Versa, Cisco, VeloCloud or any vendor like Nokia, Nuage. So right, what can I cover around the SD-WAN? I know it. The basic thing is CCNA, CCNP, and CCI must I have. Must I have to know the knowledge of basic things, routing protocols, all the things. So for if I will go for SD-WAN technology, right? So what can I cover around it? Like Zscaler, Azure, what cloud I need to know the technology on the basis of this SD-WAN? Okay, so that's really a good question, right? So actually the question is a little bit long because you have in the experience, that's why you elaborated very well, but let me just make it in short. So you just wanted to understand ki aapne CCNA and CCNP kar rakha hai, and just you wanted to plan to upgrade yourself where you just want to learn about the SD-WAN in regard of the Fortinet SD-WAN, Vipela SD-WAN, Nokia Nuage SD-WAN, Versa SD-WAN. Along with that, you want to understand ki Zscaler ka kya lena dena hai isse, Cisco umbrella ka kya lena dena hai isse, right? Kya usko padhna padega, yehi question aapka, right? Yes, correct. Aur mujhe kya kya karna rahega, jaise main abhi EY mein bhi interview diya tha, तो उसने स्क्रीनिंग के लिए मुझसे 4-5 क्वेश्चन पूछा, L5 LTM आपको आता है, लोड बैलेंसर आता है, Azure आता है, मैंने साफ कहा क्लियर नहीं नहीं नहीं, उसने 5 मिनट में इंटरव्यू खत्म कर दिया, और वो L1 इंटरव्यू करके ही EY में आया था मुझे मेल अभी जस्ट 2-3 वीक्स पहले, तो फिर मैंने आज सुबह ही ऑरेंज का मैंने इंटरव्यू दिया है, तो वहां पे उन्होंने कई चीजें पूछा, जैसे कि जो आपके कंट्रोलर्स हैं उसको अगर आप सिस्को क्लाउड पे होस्ट कर रहे हो,
अगर वो प्रेमिसेस में होल्ड मतलब सिचुएट करते हैं तो क्या डिफरेंस है, क्या चीजें हैं, कई तरह के क्वेश्चन अराइज हुए। और एक क्वेश्चन ये भी था एसेंचर में कि सिस्को अम्ब्रेला में डीएनएस कैसे रिजॉल्व किया जाता है, जो कि मुझे एकदम नहीं पता है। एसडीवैन मेरे लिए सुना ही नहीं होगा, आपने सिस्को अम्ब्रेला सुना ही नहीं होगा, करता कैसे काम है, राइट? हां, सिस्को अम्ब्रेला मैं सुना ही नहीं हूं। जी स्केलर का कहां वीडियो मिलेगा, मैं परेशान हूं, पूरा गूगल छान मारा मुझे। हां, गुई नेट पे, गुई नेट पे मैंने 12 वीडियो आपका एक्सेस लिया है, जिसको मैंने आपको क्लियर मैं बताऊं, उसको मैं डाउनलोड कर लिया, तो आप सिक्योरिटी लगा दो कि डाउनलोड ना हो, क्योंकि आपके मेंबरशिप वीडियो को मैंने डाउनलोड कर लिया है। अच्छा, चलो ठीक है। YouTube पे डाउनलोड करने का बहुत ऑप्शन है सर। हाँ, ट्यूबलेट है, वेरी इजी है, लेकिन उडमी पे मुझे नहीं मिलता है, कैसे मैं डाउनलोड करके उसको रख लूं एक जगह। टेकम के साथ, टेकम से मुझे एक्सेस है, लेकिन वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कैसे उडमी का वीडियो डाउनलोड कर लूं। तो ये सब चीजें हैं, तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, अगर मैं SD-WAN पे मूव हो रहा हूँ, आज की डेट में मैं CCNA CCNP का एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेके, जिसमें VRP इंक्लूड है, GLVP इंक्लूड है, जिसमें STP इंक्लूड है, RSTP इंक्लूड है, BGP OSPF EIGRP अब यूज होना शुरू हो गया है विप्टेला में, और जितने प्रोटोकॉल्स हैं, सब प्रोटोकॉल्स को अपने माइंड में रख के अंडर ले पे मैं अगर SD-WAN पे मूव कर रहा हूँ, तो SD-WAN के साथ साथ मुझे कौन कौन सी चीजों की टेक्नोलॉजी को कवर करना पड़ेगा, कि एटलीस्ट मैं अगर कोई L3 इंटरव्यू SD-WAN पे दूं या L2 SD-WAN पे दूं किसी भी बिग ऑर्गेनाइजेशन में, तो फुल्ली अगर वो 30 क्वेश्चन पूछते हैं तो 30 क्वेश्चन का मैं आंसर क्लियर कट दूं उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, बहुत सारी चीजें आपने पूछा और हमारे पास सारे क्वेश्चन का आंसर है, राइट? एंड फीडबैक भी आपका नोट मैंने कर लिया, ठीक है, जो भी आपने दिया। तो देखिए, सबसे पहले SD-WAN की बात मैं करता हूँ। सो इफ यू प्लानिंग, एनीवन इज प्लानिंग, नॉट यू ओनली, सो फर्स्ट यू शुड हैविंग द वेरी गुड फाउंडेशंस। बिना फाउंडेशन के यू कैन नॉट बिल्ड द गुड बिल्डिंग्स। सो SD-WAN इज अ बिग बिल्डिंग, नाइस बिल्डिंग, और बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो अगर इस बिल्डिंग को आपको बनाना है, इसमें आपको रहना है, सो आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपको बेसिक राउटिंग, इस राउटिंग के अंदर क्या क्या, आपको स्टैटिक तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, इसके साथ OSPF आपको आना चाहिए, एंड इफ यू नो बेसिक BGP, अगर इतनी चीजें आपको आती है तो यू आर वेरी गुड टू स्टार्ट विद SD-WAN, ट्रस्ट में, आप यहां से आप अपने आप को SD-WAN को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक राउटिंग नहीं आती है कि स्टैटिक राउटिंग कैसे चलता है, ट्रस्ट में, आज भी मैं ट्रेन करता हूँ पीपल को, एंड मुझे कहना नहीं चाहिए बट मैं कई बार क्वेश्चंस पूछता हूँ क्रॉस, ठीक है, स्टैटिक राउटिंग के मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि जस्ट ये तीन राउटर्स हैं, ठीक है, और ये तीन राउटर्स के बीच में एक लूप बैक यहाँ बना हुआ है, 1 का यहाँ पे, 2 का बना हुआ है, और यहाँ पे कुछ कुछ सबनेट्स कन्फिगर हैं, इनकी रीचेबिलिटी करा दो। 80% लोग फेल हो जाते हैं, 80% रिसीव बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी, दिस इज अ स्टैटिक राउटिंग आई एम टेलिंग। आप लोगों को लगता होगा स्टैटिक राउटिंग बहुत अच्छे से आती है, बट 3 से 4 राउटर में लगा दूंगा, अगर बोलूंगा कि इसकी रीचेबिलिटी करा दो, 80% पीपल विल फेल। वही करा सकता है जिसकी राउटिंग के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, पहली बात ये। सो स्ट्रांगली रिकमेंड, लगा देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, भूल जाते हैं, लूप बैक एडवर्टाइज करना पड़ेगा बीजीपी में भी, मैं बता दूंगा। नहीं, लूप बैक नहीं, अभी स्टैटिक की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट का तरीका नहीं होता है, let me correct you again, इसमें एडवर्टाइजमेंट का तरीका नहीं होता है। आप लोग वेरी बेसिक राउटिंग फॉर एनी नेटवर्क इंजीनियर जो CCNA में हम करते हैं, बट स्टिल पीपल आर वेरी कंफ्यूज। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपको राउटिंग पे एटलीस्ट स्टैटिक राउटिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए, OSPF पाना चाहिए, BGP अगर थोड़ा बेसिक आता है तो भी चल जाएगा, एटलीस्ट आप eBGP iBGP के नेबरशिप कैसे बनता है, इट्स फाइन। अगर आपको इतनी चीजें आती है, राइट, इफ यू नो दीज ऑल थिंग्स, आप आंख बंद करके यू कैन गो विद एनी ट्रेनर्स, नॉट मी, आप जिसको भी लगे अच्छा उसके पास जा सकते हो, स्टार्ट विद SD-WAN। अब SD-WAN में क्या करूं मैं, SD-WAN के तो बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। SD-WAN मार्केट में मेरे पास सिस्को का है, विप्टेला SD-WAN, राइट, मेरे पास SD-WAN का, मेरे पास वर्सा SD-WAN है, राइट, हमारे पास सिल्वर पिक SD-WAN है, राइट, हमारे पास ये 40 गेट SD-WAN है, राइट, और हमारे पास काटो SD-WAN है, राइट, और भी हमारे पास पॉलो अल्टो का SD-WAN है। तो कहने का मतलब हमारे पास बहुत सारे SD-WAN मार्केट है, मेरा की SD-WAN है, तो बहुत सारी लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो अब इसमें से मैं कौन सा SD-WAN करूं,
अब मैं तो समझ लिया कि SD-WAN करने के लिए बेसिक राउटिंग आनी चाहिए, कोई भी करो, इसमें से कोई भी करो SD-WAN, अगर आपको ये नहीं आती है तो आप मत करो SD-WAN, दिस इज माई रिकमेंडेशन, अगर नहीं आती है तो मत करो SD-WAN, वो आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, आप ऐसे लग रहा है कि पत्थर पे सर पटक रहे हो, राइट, देयर इज नो मीनिंग टू डू दैट। तो आप पहले यहाँ पे काम करो, अपने CCNA CCNP पे काम करो, क्योंकि टेक्नोलॉजी कितनी भी बड़ी हो जाएगी, समवन मेंशन दैट कि आपको अंडरले कभी खत्म नहीं होगा, yes, और sir, बिना अंडरले के आप ओवरले नहीं बिल्ड कर सकते माय डियर फ्रेंड। ओवरले टेक्नोलॉजी क्या क्या होती है आपके पास, ओवरले टेक्नोलॉजी IPsec होता है, DMVPN होता है, राइट, आपके SVPN. पास CRE होता है, LISP होता है, VXLAN होता है, राइट, ये सारे आपके जितने भी हैं ये सब आपके ओवरले टेक्नोलॉजी। अब SD-WAN की बात करो तो MP हो गया, DTLS हो गया, राइट, सिस्को की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे DFD हो गया आपका, ये सब ओवरले प्रोटोकॉल्स हैं आपका यहाँ पे, और क्या हो गया, TLS DTLS हो गया, OMP हो गया, IPsec तो हमने ऊपर लिख दिया, ये सारे आपके ओवरले HVPN ले लीजिए सर, HVPN भी हो गया, ठीक है, ये सारे जितने VPN जो भी है, दे ऑल आर द ओवरले। अब ये क्या अपने हवा में बन जाएंगे, दे नेवर गोइंग टू यू नो बिल्ड इन द हवा एयर्स, दे रिक्वायर्ड समथिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनता है, इट्स बिल्ड बाय द बेसिक राउटिंग एंड स्विचिंग, so STP, RSTP, routings, they never going to be died. It is always going to be, you know, available. हाँ, इनको यूज करके कुछ नया बना सकते हो, बस बेस तो यही रहेगा, आपको बिल्डिंग कितनी फैंसी बनानी है, आपको न्यू तो डालनी ही पड़ेगी, आप उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, तो न्यू तो आपको बनानी ही पड़ेगी, बिल्डिंग इसके बाद कितनी लंबी, जितनी अच्छी न्यू डालोगे उतने अच्छे बिल्डिंग बना लोगे आप, उतनी बड़ी बिल्डिंग बना लोगे, राइट, बुर्ज खलीफा से बड़ा बिल्डिंग बना सकते हैं, बट उसके लिए सर एक क्वेश्चन मेरा और भी था, मैं आपको स्टॉप करूंगा यहां पे, जैसे आप राजन चंदोरा को जान रहे होंगे जो CCNA CCNP के ट्रेनर हैं, और उनके कई वीडियोज अवेलेबल हैं ऐसे ऐसे जो बेसिकली पैकेट लेवल पे बताते हैं, वो जैसे जब मैं एक होस्ट से दूसरे होस्ट को पिंग करता हूँ तो वहां पे इको रिप्लाई इको रिक्वेस्ट होता है, फिर लेयर 3 हेडर ओपन होता है, फिर उसमें कई टाइप फील्ड होते हैं, फिर HDLC हेडर होता है, फिर HDLC में जैसे ARPA रिक्वेस्ट जाता है, फिर उधर से ARP रिप्लाई मिलता है, उसके बाद जितने लेयर होते हैं वो एक पैकेट लेवल पे उन्होंने बताया है। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, अगर मैं स्टैटिक राउटिंग OSPF BGP और मैं STP RSTP और VRRP ये सब क्लियर रखूं, तो क्या इस जो आपका ये जो टनलिंग आप बताएं IPsec DMVPN GRE LISP इन सब का पैकेट लेवल पे क्या हम नॉलेज कैसे पाएंगे, मतलब मुझे कोई सिंपल सा कहे कि OMP सेशन फॉर्म हो रहा है VH2 VSmart और वो उसमें क्या पैकेट फ्लो है, तो वो कैसे मैं बताऊंगा, मैं एक थोड़ा सा पूछना चाह रहा था। तो मैं वही बता रहा हूं ना कि देखो आपको टेक्नोलॉजी समझने के लिए सारी टेक्नोलॉजी अलग-अलग हैं, Cisco SD-WAN, Versa SD-WAN, they are the part of the SD-WAN, SDN product, right? So, आपको SDN का concept समझने के लिए आप इसमें से कोई भी controller based technology को समझते हैं, so you'll get the answer, right? So, आपको इस technology को समझना पड़ेगा, किस तरीके से ये technology बाकी आपके under ले, जो आपका packet है, जिसके अंदर headers होते हैं, आपका source, destination, आपका eco reply, eco request आता है, वो तो आपका अंडरले बिल्ड करते हैं, बट उसके ऊपर कैसे SD-WAN चलता है, तो वो चीज तो SD-WAN के कोर्स में ही आपको बताया जाएगा कि जो आपका GRE टनल आपने पूछा जीस का कैसे बनता है, तो अगर आपको जीस कलर के टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है, आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो हाउ यू विल गेट दैट इन्फॉर्मेशन, तो आपको जीस कलर के बारे में सीखना पड़ेगा, राइट, आपको अगर IPsec के बारे में जानना है तो IPsec कैसे अंडरले के ऊपर बनता है, तो IPsec टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना पड़ेगा, फिर आपको DMVPN, तो दीज ऑल टेक्नोलॉजी, GRE अलग टेक्नोलॉजी है, LISP अलग है, VXLAN अलग है, तो इन सारे के बारे में आपको सीखने के लिए आपको अपना टाइम इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा ना, आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा, एक बार तो सीख नहीं पाओगे, और सबका तरीका कॉन्फ़िगरेशन वर्किंग पैकेट फ्लो सबका अलग होगा, जैसे आपका 2 PC कनेक्ट होता है, जैसे आप उसमें राउटिंग इनेबल करते हो, तो स्टैटिक राउटिंग करने के लिए आपका राउटिंग प्रोटोकॉल का तरीका काम करने का अलग होता है, डायनेमिक अलग होता है, तो आपको उसको टेक्नोलॉजी को समझते हो आप ना कि हाँ किस तरीके से स्टैटिक राउटिंग कन्फिगर करते हैं, किस तरीके से डायनेमिक करते हैं, द सेम वे व्हेन यू जस्ट स्टार्ट डूइंग द सिस्को SD-WAN अंडरस्टैंडिंग, मेराकिस SD-WAN अंडरस्टैंडिंग, वर्सा SD-WAN, कोई भी SD-WAN, तो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को, उसके आर्किटेक्चर को, उसके वर्किंग प्रिंसिपल को, उसके पैकेट फ्लो को, उसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट उसको समझना पड़ेगा आपको, तो जब उसको हम समझते हैं, जब उसके बारे में हम समझते हैं, तो आप देखो, अब मैं थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द ट्रैक ले जा रहा हूँ, बट मैं दिखाता हूँ आपको कि जो हमारी लैब बनती है, जो हमारी जो SD-WAN की लैब है, तो
इस SD-WAN लैब में अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड लाइक एवरीथिंग इज कॉन्फिगर अंडरले ओवरले एंड उसके ऊपर हमारा OMP सेशन बिल्ड होता है या जो भी हमारा DTLS TLS चैनल की आप बात करते हो सारे बिल्ड होते हैं. तो ये इतनी बड़ी लैब अभी जो खुलेगी आपके सामने, आई थिंक ये नहीं है, लेट मी जस्ट ओपन दिस, CCI की लैब हमारी है, लेट मी जस्ट ओपन. तो SD-WAN की लैब हमारी कहाँ पे है, तो देखो इसमें वेलो क्लाउड का है, 5 का है, राइट, 49 का बेसिकली. तो देखो ये लैब है, राइट, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. इसमें कंट्रोलर से कैसे कम्युनिकेशन होता है, VH क्या होता है, कैसे टनल्स बिल्ड करता है, कैसे अंडरले के ऊपर ओवरले बिल्ड होता है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, तो ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा. कोई भी ट्रेनर पढ़ा है XYZ, डजंट मैटर फॉर यू, राइट, बट वो ट्रेनर क्या आपकी क्वेरी को आपका पैकेट लेवल पे एक एक चीज अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर पा रहा है, वो मैटर करता है, राइट. सो आई एम नॉट सेइंग कि मैं 100% हर चीज आपको बता पाया पता है, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट. मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा जिस तरीके से मैंने नेटवर्क डिप्लॉय किया है, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि पैकेट को खोल खोल करके इवन द पैकेट के हेडर तक जो SD-WAN में यूज होते हैं, आई विल ट्राई टू गिव दैट इनसाइट्स. तो आपको तब पता लगेगा कि इन सब का मतलब क्या होता है, किस तरीके से ये साइट हमारी एक दूसरे साइट से IP से टनल बिल्ड करती है ऑटोमेटिक, किस तरीके से यही साइट हमारा VSmart के साथ राउटिंग इंजन बिल्ड करता है, इसको OMP सेशन बोलते हैं, किस तरीके से सेम साइट बाकी कंट्रोलर से TLS DTLS कनेक्शन बिल्ड करता है, उनका मतलब क्या होता है, इस रूट से का मतलब क्या होता है, क्यों इस राउटर की जरूरत है, क्यों इस राउटर का जरूरत है, क्या कलर्स होते हैं, क्या ट्रांसपोर्ट होते हैं. तो आपको ये सब चीज समझना पड़ता है, इट्स नॉट लाइक वन डे सेशन की हम इसको समझ सकते हैं. तो इसको जब 30 घंटे हम क्लास करते हैं, इसको लाइव करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, कन्फिगर करते हैं, तो आपको पूरा डीप डाइव होता है. तो आई मीन टू से कि जो भी टेक्नोलॉजी आपने नाम लिया, चाहे Zscaler है, चाहे वो आप GRE की बात करें या SD-WAN की बात करें, यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी स्टेप बाय स्टेप जर्नी. आपको बिल्कुल मतलब एक साथ बहुत सारी चीजें नहीं करना है. आपने CCNA कर लिया है, दैट्स गुड. आपने CCNA कर लिया, दैट्स गुड. व्हाट नेक्स्ट, आपको लाइफ में ग्रो करना है, आपको L3 इंजीनियर बनना है. आई वुड हाईली रिकमेंड कोई भी एक अच्छा सा SD-WAN कर लो. अच्छे वाले SD-WAN में क्या डेफिनेशन होता है, तो विप्टेला इज वेरी हाई डिमांड, राइट. विप्टेला का हो गया, विप्टेला जिसको सिस्को बोलते हैं, आप क्या कर सकते हो, आप FortiGate का भी कर सकते हो, आप वर्षा का भी कर सकते हो, राइट. ये सारे आपके नुआज भी कहीं कहीं मांगते हैं लोग, तो ये सारे आपका हाई डिमांडिंग SD-WAN टेक्नोलॉजी है. इसमें से आप कोई भी कर लो, योर लाइफ इज गोइंग टू बी नो वेरी यू नो चार्जेबल एंड सुपर पावरफुल व्हेन यू गो फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू. इसी तरीके से आपका इससे काम नहीं होगा, अगर L3 बनते हो तो आपके साथ अब क्या चाहिए, दे आस्क फॉर सिक्योरिटी. सिक्योरिटी में क्या चाहिए आपको, सो सिक्योरिटी दे नीड लाइक फायरवॉल. अब फायरवॉल में सबसे ज्यादा क्या डिमांडेड फायरवॉल है, 3 firewalls को ये कहना चाहिए आपको. पॉलो ऑल्टो फायरवॉल चाहिए आपको, जैसे PA लिख दिया, पॉलो ऑल्टो फायरवॉल हो गया, FortiGate फायरवॉल हो गया, या चेक पॉइंट फायरवॉल होगा, इन तीनों में से कोई एक फायरवॉल आप कर लो. या दूसरी बात, अगर ये नहीं कॉम्बिनेशन बन रहा है तो क्या करो आप Zscaler कर लो. लेकिन प्रॉब्लम इज कि हु इज गोइंग टू ट्रेन द Zscaler, राइट. सो उसका आंसर मिलेगा आप लोगों को, घबराओ मत, और वीडियो भी मिलेगी आप लोगों को. Zscaler के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए कि Zscaler के बारे में पता ही नहीं था कि Zscaler होता क्या है, इसके प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, GIA क्या होता है, Zscaler इंटरनेट एक्सेस क्या होता है. अभी मैं लगातार एक आपको सीरीज मिलेगा वीडियो का, फ्री सीरीज दूंगा. थोड़ा सा काम किया हूं सर Zscaler पे, छटा में किसी ने लास्ट ईयर थोड़ा सा. हां, तो कई लोगों को नहीं पता होता, राइट, क्या मतलब होता है कि Zscaler का मतलब क्या होता है. नेक्स्ट क्या होता है कि आपका सिक्योरिटी हो गया, Zscaler हो गया, अगर इनका भी कॉम्बिनेशन इवेंट होता तो फिर आप लोग F5 पूछते हैं, लोड बैलेंसर, जिसके अंदर आपका LTM होता है, राइट, एंड आपका GTM होता है, 2 मॉड्यूल होते हैं. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सब कुछ आना चाहिए, लेकिन आज के जो हमारा सिचुएशन है, पीपल आस्क कि आप नेटवर्क इंजीनियर CCNA CCNP किया है, व्हाट नेक्स्ट, क्या आपको SD-WAN आता है, नहीं आता है तो प्रॉब्ली आपकी CV को इंटरटेन ही नहीं करेंगे L3 लेवल पे, इवन L2 लेवल पे भी नहीं करते हैं आजकल तो, ठीक है. चलो, SD-WAN नहीं आता है, क्या आपको सिक्योरिटी आता है, फायरवॉल आता है, कोई 2 firewall आपको आती है, कोई 1 firewall आता है, नहीं आता है तो भी आप नहीं एलिजिबल हो गए. चलो, फायरवॉल नहीं आता, क्या आपको Zscaler आता है, नहीं आता है, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो. क्या आपके लिए F5 आता है, नहीं आता तो एलिजिबल नहीं. मेरे कहने का मतलब कि मल्टी स्किल्स, जरूरी नहीं है कि आपको सारे टेक्नोलॉजी को जानो, बट यू शुड नो नेटवर्क विद समथिंग. SD-WAN जानो, Zscaler जानो, सिक्योरिटी जानो, कुछ ना कुछ आपको जानना ही पड़ेगा, बिना जाने आपका कुछ काम नहीं होने वाला है, राइट. यू गॉट माय पॉइंट? Yes. So you just have to build your roadmap. कि अगर आपने CCNP कर लिया है तो देखो, बहुत अपने आप को कंफ्यूज मत रखो, जहां मन भरे, जहां मन करे, just
फाइंड योर मेंटर्स, राइट, फाइंड योर मेंटर्स, ट्रस्ट ऑन योर मेंटर्स. आप एक बार ट्रस्ट करो एंड गो विथ हिज डायरेक्शन. जो भी मेंटर होते हैं, अच्छे मेंटर होते हैं, दे ऑलवेज गाइड यू गुड डायरेक्शन. वो आपको परेशान नहीं करेंगे, वो आपको हमेशा ही अच्छे तरीके से गाइड करेंगे. ऐसा नहीं कि नहीं गाइड करेंगे. बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री में मेंटर्स हैं जो आपको राइट पाथ बताएंगे कि आपको क्या कब कोर्स का कोर्स करना चाहिए. तो ट्रस्ट मी, इफ यू शो योर ट्रस्ट, अगर आपको राइट पीपल मिलते हैं, राइट ट्रस्ट शो करते हो, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें, ज्ञान मिल जाएगा, यू नेवर थॉट अबाउट दैट, और आपको बहुत ज्यादा ही करियर में ग्रो मिल जाएगा. बट कई लोग क्या होते हैं कि हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, दे नेवर यू नो वेरी सीरियस अबाउट द करियर, कि यार मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा, मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे लैब करना पड़ेगा. देखो, पैसे कमाने हैं तो आपको ऐसा चीज तो करना ही पड़ेगा. विदाउट डूइंग दिस, हाउ कैन यू कैन यू नो प्रोफेशनली ग्रो? कैसे सीखोगे आप अगर आपके पास खुद के अंदर अगर झील है कि नहीं, मैं खुद से गूगल करके सीख सकता हूँ, यूट्यूब से सीख सकता हूँ, सीख लो, कोई बात नहीं. बट इफ आई एम जस्ट कीपिंग समथिंग, मेरे पास अच्छे नोट्स हैं, अच्छे मेरे नगेट्स हैं, अगर मैं वो सिर्फ ड्राइव में रखे हुए हैं, उनका मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, तो एक तरह से बस मेरा ड्राइव वेस्ट कर रहा है, राइट? सो आप लोग के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होता है, यू गाइज हैव टू डू, राइट, इन रिगार्ड ऑफ कहाँ पे हो, कैसे हो, लेकिन आपको ये करना ही पड़ेगा. ठीक है, राउटिंग स्विचिंग में स्टैटिक राउट, डिफॉल्ट राउट एंड OSPF BGP, ये चार राउटिंग प्रोटोकॉल अगर मेरी नॉलेज बेस्ट है, कैसे लूपबैक एडवर्टाइज करना है, कैसे TTL वैल्यू सेट करना है BGP में 1, 2, 3, 4, कैसे एडवर्टाइज करना है, कैसे पैकेट ड्रॉप ना हो eBGP में अगर 3 राउटर कनेक्ट है, तो उस लेवल पे अगर मुझे नॉलेज है स्टैटिक डिफॉल्ट एंड कनेक्टेड राउट, सो इजी है, एंड आपका OSPF और BGP, ये चार राउट अगर मुझे वेल नोन है, और जहां तक HSRP आ गया, VRRP आ गया और GLVP, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है. HSRP तो क्लियर रहता है, लेकिन GLVP और VRRP पे मैं टच नहीं करता, ना मैंने कभी काम किया है लाइव एनवायरनमेंट में. तो अगर ये चार राउटिंग प्रोटोकॉल है, क्या मैं मूव कर सकता हूँ SD-WAN के लिए? बिल्कुल, मैंने FHRP के बारे में तो बात ही नहीं किया, क्योंकि SD-WAN VRRP है. तो अगर आप VRRP करते हो, अगर SD-WAN करते हो, तो VRRP तो फ्री में मैं सिखा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट? बट यस, अगर आपको ये चीज आती है, तो आप आंख बंद करके SD-WAN में जा सकते हो, क्योंकि SD-WAN में आपको सारी चीजें नहीं मिलती है, सारी चीजें नहीं मिलती है. एक चीज पुराना मिलता है, पता है क्या मिलता है पुराना? दैट इज योर अंडरले. अंडरले में क्या करते हैं, देखो बताता हूँ. अंडरले में दो चीजें हम करते हैं बस. उसमें करना क्या होता है कि जैसे आपकी ये साइट है, तो इनके बीच में हम बेसिक कनेक्टिविटी करते हैं, ताकि ये यहां से इसको पिंग कर सकें. तो इसके लिए स्टैटिक राउटिंग हम इंटरनेट में चलाते हैं, और यहां पे BGP चलाते हैं. इसलिए मैं बोलता हूं कि यू शुड नो कि BGP से और स्टैटिक राउट से कैसे आपका आपका बेसिकली रिचेबिलिटी बिल्ड कर सकें. और लैन में हम OSPF चलाते हैं, या फिर हम स्टैटिक राउट चलाते हैं, या फिर हम BGP चलाते हैं, लैन में चला सकते हैं. तो यही सब प्रोटोकॉल यूज होता है. तो आपको अगर ये फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तो बाकी चीजें तो सब कुछ न्यू है. बाकी चीजें तो प्रोटोकॉल भी नया है, OMP राउटिंग प्रोटोकॉल है. मैं बताना चाह रहा हूं, आपका जो 12 वीडियो हिंदी में है, मैंने उसमें 6 वीडियो तक कवर किया है, कैसे सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेट करना है रूट CA से, और कैसे स्टैटिक राउट देना है DC राउटर की ओर और इंटरनेट राउटर की ओर. ये सब मैंने 6-7 वीडियो देखा है जहाँ पे IP कनेक्टिविटी देनी है. लेकिन मैं सर यही पूछना चाह रहा हूँ, अगर मैं इस कोचिंग को ज्वाइन करता हूँ, तो क्या मुझे पैकेट लेवल पे समझने को मिलेगा? जैसे मैं समझना चाहता हूं, तो बोल रहा हूं कि जो प्रमोशनल हमारे कोर्सेज पड़े हुए हैं, दे आर नॉट कंप्लीट, राइट? दे आर नॉट कंप्लीट स्टिल. आपको जो वहां पे कोर्सेज, वो प्रमोशन के लिए यार करना पड़ता है. इफ यू नॉट डू द प्रमोशन, तो आपको चीजें कैसे पता चलेगा कि आप अगर नहीं देखते तो आप मेरे पास क्यों आते, राइट? सो प्रमोशन के लिए करना पड़ता है. तो प्रमोशन में बहुत सारी चीजें होती है जो मिस होती है. आप लोग को यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत सारी चीजें मिस होती है. जब लाइव क्लासेस करते हो, those classes are going to around 30-35 hours classes, जिसमें debate हम करते हैं, उसमें हम जिस तरीके से बात कर रहे हो, तो उस समय जब यहाँ से packet निकलेगा, right? जब the packet will leave from here, यहाँ से निकलेगा packet, अब जैसे मैं इस lab को start करता हूँ, ठीक है, जैसे SD-WAN का ही बात कर रहे हैं, तो इस lab का भी fully running batch चल रहा है. आप लोग कभी class में आओ, देखो किस तरीके से लोग पूछते हैं, अभी से एक से बात करके यू कैन जस्ट ज्वाइन. सो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही पैकेट यहाँ से निकला लैन से, यहाँ पे जाने के बाद ये यहाँ पहुंचता है, पैकेट का बिहेवियर क्या रहता है, किस तरीके से पहुंचता है पैकेट, क्या ये इसके तरह आता है, यहाँ से ऐसे ऐसे घूम के आता है,
या डायरेक्ट आता है या फिर ऐसे आता है, उसके पीछे एक 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 होप पे क्या उसका बिहेवियर रहता है, किस तरीके से पैकेट मोल्ड होता है, तो वो सारी चीजें तो आपको तभी समझ में आएगी ना जब पूरा आप हमारे साथ काम करोगे, हमारे साथ लर्निंग करोगे, तभी समझ में आएगा। ऐसे कैसे पता चलेगा? तो मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि एक एक पैकेट लेवल पे, फॉरवर्डिंग लेवल पे, ओएमपी के राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे चलता है, उसका नेक्स्ट हॉप कैसे सेट होता है, आईपी से टनल कैसे बनती है, उसके अंदर डेटा पाथ कैसे होता है, पॉलिसी जो सबसे ज्यादा ब्रेन वाला चीज होता है, पॉलिसी वो कैसे क्रिएट होता है, उसका मतलब क्या होता है, कैसे उसको टेस्ट करेंगे, तो वो सारी चीजें आपको जब डीप डाइव हम करते हैं अपने लाइव सेशंस में, देन यू विल गेट द कंप्लीट नॉलेज। ठीक है गौरव? ओके सर। सर मुझे बस एक रिक्वेस्ट है, जैसे जो रेंटल रैक आपका है, अगर मैं यहाँ पे SD-WAN के लिए ज्वाइन करता हूँ सिस्को या वर्सा, तो वर्सा और सिस्को SD-WAN में क्यों हम वर्सा चूज करें, क्यों हम सिस्को यूज करें, पहले इसका आंसर मुझे पता होना चाहिए। डेफिनेटली यू आर एब्सोल्युटली राइट। वर्सा क्यों चूज करें, बाकी क्यों चूज, देखो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, आपको उसको समझने के लिए आपको मार्केट का थोड़ा मार्केटिंग समझना पड़ेगा कि मार्केटिंग होती क्या है, राइट? सो आपको एक गार्टनर रिपोर्ट होता है, राइट? देखो आपको इसको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या अभी इस साल का रिपोर्ट है, ठीक है? तो देखो अब दिखाता हूँ आपको, तो ये गार्टनर मैजिक ना एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिपेंडेंट यूनिक है, राइट? सो इस गार्टनर की अगर जब बात करते हो तो मैं अभी क्या है, चलो यही खोल लेता हूँ, लेट मी शो यू। सर इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, आई थिंक किसका पेज पे लैंड कर गया इसने, देखो यहाँ पे देखो, ये देखो लीडर्स, नहीं ये कुछ और है, आई थिंक ये कुछ, एक मिनट इसको देखता हूँ, यहाँ ये रहा, ठीक है। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, पहले तो ये बताती है कि जैसे मार्केट में मोबाइल बहुत सारे होते हैं, राइट? होते हैं ना, सैमसंग होता है, नोकिया होता है, एप्पल होता है, राइट? बहुत सारे होते हैं। अब आप बेसिकली आप एप्पल ही क्यों खरीदोगे, राइट? ये बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड करता है। आप नोकिया ही क्यों खरीदोगे, आप सैमसंग क्यों खरीदोगे, बहुत सारे पैरामीटर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपके पास पैसे, मतलब हो सकता है कि आपके पास पैसे कम हो तो आप एप्पल नहीं खरीद सकते, इट्स वेरी हाई कॉस्ट, राइट? वो स्टेटस है, वो ब्रांड है। हो सकता है कि आप नोकिया इसलिए नहीं खरीदो कि वो बहुत बेस मॉडल देता है, सैमसंग इसलिए खरीदोगे कि उसमें सस्ता भी पड़ता है, एंड देन इट इज गोइंग टू बी ऑल फीचर एंड्रॉइड बेस्ड, राइट? तो ये तो हो गई एक कॉस्ट, तो कॉस्ट तो मैटर करता ही करता है, लेकिन सबसे पहले हमें देखना है कि इतने सारे वेंडर्स हैं, दे यू नो डेवलपिंग द SD-WAN, राइट? दे ऑल आर डेवलपिंग द SD-WAN, लेकिन इसमें से बेस्ड कौन से हैं? सो बेस्ड आर ये बेस्ड हैं, Fortinet, VMware, Cisco, Palo Alto एंड Versa Network, दीज आर द लीडर इन द मार्केट, दे आर द लीडर इन द मार्केट। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे कहने से नहीं, दिस इज द रिपोर्ट ग्लोबली, एक ग्लोबल रिसर्च करके रिपोर्ट बनाया था गार्टनर मैजिक का, कि कौन से ऐसे वेंडर्स हैं जिसके सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड है और क्यों डिमांड है। उसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, कॉस्ट, फीचर्स, कोई फोन में बहुत अच्छा फीचर है, किसी में कम फीचर है, और उनकी सपोर्ट की, मतलब अगर मान लेते मैंने फोन खरीद लिया, अगर फोन खराब हुआ और मैं दिल्ली में रहता हूँ, उसका शोरूम दिल्ली में नहीं है, तो क्या मैं मुंबई जाऊंगा उसको बनवाने के लिए? जस्ट थिंक अबाउट इट। तो वो भी एक मैटर करता है कि सपोर्ट कैसा है, आपके पास है कि नहीं कुछ सपोर्ट करने के लिए। तो इन सब पैरामीटर को देखने के बाद और ग्लोबली उनका कहाँ प्रेजेंस है, कि अगर मैं ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हूं तो अगर मैं इसको लेता हूं तो वेंडर हमारे ग्लोबली सर जगह अवेलेबल है, तो इस बेसिस पे दीज आर द लीडर्स, इसमें से आप कोई भी ले सकते हो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन सा फीचर चाहिए, कॉस्ट बचाना है कि नहीं बचाना है, देन। सो ओवरऑल अगर देखो मार्केट में, तो ये तीन वेंडर चलते ही है, वर्षा भी चल रहा है, HP, Aruba and Palo Alto थोड़ा कम है, but these are the leaders. All are leaders, but ये चार vendors सबसे ज़्यादा आपका useful हैं। इसमें से भी Cisco का इतना ज़्यादा globally presence है कि जैसे ये जितने, अगर इसके 10,000 या 20,000 customer हैं इंडिया के अंदर, एक किसी कंट्री के अंदर, और ऑलरेडी अगर उसने Cisco के डिवाइस ले रखा है, अगर उसको बोला जाए कि मैं Aruba का SD-WAN लगाऊंगा या Fortinet का SD-WAN लगाऊंगा, तो जो उसने पैसा खर्च किया SD-WAN पे, सॉरी डिवाइस खरीदने पर, Cisco को सारे वेस्ट हो जाएंगे, तो उतना इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? तो दे ऑलवेज गो ऑन द Cisco SD-WAN. तो मेजोरिटी ऑफ द कस्टमर इन द मार्केट में Cisco के डिवाइस किसके पास नहीं होती है, इसीलिए Cisco के बहुत ज्यादा डिमांड होते हैं। वर्सा इज वेरी सस्ता, राइट, एंड बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत अच्छा फीचर है इसके अंदर, तो इसके बहुत अच्छा डिमांड है। Fortinet का सेम केस है, VMware का भी सेम, क्योंकि क्लाउड बेस इसका है और ये भी बहुत चीप है। Cisco थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, थोड़ा सा इसका ये फायदा होता है कस्टमर बेस बहुत अच्छा है, तो कस्टमर के पास ऑलरेडी किसी कोई चीज है तो वो ऑलरेडी वो ले लेता है। तो आप कोई भी कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड कि आपका
रिक्वायरमेंट क्या है, सब में आपको सेम आर्किटेक्चर समझने को मिलेगा, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका अलग हो जाएगा। जैसे सिस्को राउटर में आप कॉन्फ़िगरेशन अलग तरीके से करते हो, आप जूनिपर में अलग तरीके से करते हो, सेम चीज यहाँ पे होने वाला है कि अगर फोर्टिनेट का अलग हो तो उसका तरीका अलग होगा, अगर आपने वर्षा कर लिया तो उसका तरीका अलग होगा सिस्को के। ओवरऑल कॉन्सेप्ट वहां भी बीजीपी चलेगा, वहां भी कंट्रोलर होगा, वहां भी स्टैटिक राउटिंग चलेगा, वहां भी उसका खुद का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल होगा और यहाँ भी प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल होगा। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन, ठीक है। तो इस तरीके से यू जस्ट हैव टू मैनेज योर थिंग्स कि हमें करना क्या है, हमारे कंपनी में यूज हो रहा है अगर फोर्टिनेट तो मैं सिस्को क्यों सीखने जाऊंगा, आई विल गो फॉर द फोर्टिनेट। लेकिन अगर मैं मेरे कंपनी में कुछ भी यूज नहीं हो रहा है एंड आई एम जस्ट प्लानिंग टू जस्ट क्रैक द इंटरव्यू तो गो फॉर सिस्को, क्यों नहीं सिस्को के जाओगे, सिस्को का हर जगह डिमांड है, मैक्सिमम इंजीनियर सिस्को को चाहिए होगा तो आप जा सकते हो उसके लिए। या यू आर प्लानिंग टू गो सम जैसे ईवाई ऑर्गेनाइजेशन है, ईवाई के अंदर कंप्लीट वर्षा नेटवर्क चल रहा है, अगर आपको वहां पे इंटरव्यू क्रैक करना है कि मेरी ड्रीम कंपनी है तो जस्ट गो फॉर द वर्षा। तो थोड़ा यू जस्ट हैव टू डू द मार्केट रिसर्च कि कहाँ पे क्या चल रहा है, अपने फ्रेंड सर्कल बढ़ाना पड़ेगा, अपने मेंटोर से पूछना पड़ेगा, थोड़ा गूगल करना पड़ेगा, देन यू फाइंड द आंसर्स। बट दिस ऑल आर द वेरी गुड वेंडर्स, आप किसी को भी कर सकते हो, ठीक है। सर आजकल अरुबा का सीन कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब वायरलेस भी अरुबा, स्विच भी अरुबा, हर चीज का अरुबा का मतलब एवरीवन इज डूइंग द बिजनेस इन अ मार्केट फॉर द अर्न द मनी। तो एक प्रोडक्ट पे कौन रहेगा, हर कोई अपना प्रोडक्ट बनाना चाहता है ना, राइट। आपके पास हाँ सिल्वर पीक बताइए, सिल्वर पीक का पहले बहुत नाम था स्टार्टिंग में, सिल्वर पीक एंड सिस्को वेबटेला आया था, सिल्वर पीक का चार्ट में दिख नहीं रहा ना। हाँ अभी इसमें ये 2022 का है तो अभी इसमें दिख नहीं रहा है क्योंकि इसमें सिल्वर पीक ट्रेंड से बाहर आ गया, बट सिल्वर पीक का बहुत नाम था, बट अभी उतना नाम है नहीं सिल्वर पीक का। सिल्वर पीक को वीएमवेयर वर्षा ने खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। तो अभी 23 वाला देखते हैं, एसडी वैन गार्टनर 23 रिपोर्ट, इसमें आपको आना चाहिए सिल्वर पीक का, कहीं ना कहीं तो नाम होना चाहिए। एचपी एक्वायर कर लिया तो कहीं दोनों को कॉम्बाइन तो नहीं ना दिया क्या? हाँ हो सकता है, ये भी हो सकता है, एचपी एचपी का दिखा रहा था ना आपका साथ में, एचपी और यही हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, दिस कुड बी द रीजन, ठीक है। ये भी एक रीजन हो सकता है, मुझे पता नहीं था, आपने बता दिया, अच्छा किया। एक रीजन सिल्वर पीक को होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो होना चाहिए इन सब में से, एचपी के कारण से वो किया होगा, राइट। So any other question guys, any other question regarding this? Sir, बस ये request है मेरा, अगर मैं इसको join करता हूँ Cisco SD-WAN तो मुझे जो rack है, rental rack है जो, वो थोड़ा ज्यादा time के लिए चाहिए रहेगा बस। कोई बात नहीं, आप थोड़ा offline अभिषेक सर से बात कर लेना, ठीक है, he will guide with everything, ठीक है। Let's not talk about the rental and all, we are talking about the complete... मैं Cisco, yes sir, Cisco SD-WAN तभी join करूँगा जब packet level पे flow समझ में आएगा, means कहने का उस tunneling में अगर जैसे मान ली वी स्मॉल टू वी एच का बन रहा है या वी एच टू वी एच आईपी से टनल बन रहा है तो उसमें पैकेट फ्लो क्या होता है, मैं बस मतलब बेसिक, मैं इंटरव्यू क्रैक करने के लिए नहीं चाहता हूं, मतलब मैं अपने नॉलेज के लिए एक पैकेट फ्लो समझना भी चाहता हूं, कैसे ये पैकेट फ्लो होता है, मतलब राइट राइट राइट। सो आपको अपना पहले दिमाग मतलब बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल रेडी करना है कि मुझे ये सीखना है, राइट right? दिमाग बिल्कुल प्रिपेयर जब हो जाएंगे ना, बिल्कुल, सो यू विल गेट ऑल द आंसर्स, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, राइट। वी कैन ऑनली एश्योर कि यू आर द राइट प्लेस, आपकी अगर कुछ क्वेरी लाइव भी है, इफ यू वांट टू जस्ट यू नो ट्राई इट, यू कैन ट्राई इट, इतना ही हम बोल सकते हैं। बाकी तो हमारी ट्रेनिंग की और जो हमारी जो तरीका है, जो हमने जो काम किया है, वी आर 100% श्योर कि हम कुछ ऐसी चीज नहीं है जो सिलेबस में है उसको हम छोड़ते हैं, और जो डिप आपको जानना चाहिए वो आपको नहीं बताएंगे। दिस इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, और इसलिए शायद इतने लोग हमारे पास आज जुड़े हुए हैं, राइट, कि दिस इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, कि हम चीजों को कभी आधा अधूरा बात नहीं करते, अगर जो चीज डिलीवर कर सकते हैं देन यस, नहीं तो नहीं, राइट। सो क्वालिटी अगर नहीं है, यू कैन नॉट सर्वाइव इन द मार्केट, यू जस्ट हैव टू मेंटेन द क्वालिटी एंड यू हैव टू एबल टू आंसर दैट ऑल द क्वेरी, ठीक है गौरव जी। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। एक कोर्स डिजाइन सर कीजिए जो हम लोग का सीसीएनए का बेसिक्स उठा के सीसीएनपी में ड्रॉप कर दें, इस टाइप का, नॉट होल सीसीएनए पूरा। आप जैसे जो हमारे पास कई सारे रिक्वेस्ट करने के, तुम उनके लिए हमने कोर्स ज्वाइन किया है कि हमारे पास एक्चुअली क्या है कि दैट कोर्स इज कवर्ड बाय मी ओनली, राइट। सो इट्स अराउंड 50-60 आवर सीसीएनए कोर्स, राइट, सीसीएनए कोर्स जो कि बिल्कुल लाइव क्लास के कोर्स है, राइट। सो इफ यू डोंट हैव टाइम, अगर आपको टाइम नहीं है, राइट, गो फॉर द वीडियो कोर्स, राइट। और मैं उसके लिए बोलता हूँ कि वीडियो कोर्स में जाओ एंड यू जस्ट कंप्लीट, आप
10 घंटे देखो 20 घंटे देखो एंड जस्ट सेट अप वन सेशन, 2 घंटे का 3 घंटे का सेशन जो भी आप सेटअप करो एंड आज कॉपी पेन लेकर आओ और अपने सारे डाउट को क्लियर करो मेरे से अगर आप टाइम नहीं है तब. तो वो क्या होगा कि आप अपने हिसाब से देखकर उसको समझकर एंड यू कैन क्लैरिफाई ऑल द आंसर्स फ्रॉम मी, आई एम गिविंग द कमिटमेंट फ्रॉम मी ओनली, राइट. तो सीसीएनए में जो भी आपका डाउट है कहीं से भी उठाकर कोई टॉपिक का, सपोज करो कि 5 लोगों का एक साथ ऐसा चल रहा मॉड्यूल, राइट, एंड ऑल 5 का अलग अलग क्वेश्चन है, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे तो पता है सारा आंसर, क्योंकि मैंने ही कोर्स बनाया है, मुझे सब कुछ पता है कि सीसीएनए में क्या क्या है, सिलेबस में कैसे. तो आप कभी भी उसको पूछ सकते हो एंड दैट इज गोइंग टू हैपन 10 to 12 आवर फ्री लाइव सेशन. सिर्फ उसमें आप लोगों की लैब सपोर्ट होगी एंड आपका जितने भी डाउट्स होंगे, जितने भी डाउट्स लैब सपोर्ट प्लस एनी डाउट्स, किसी तरीके कोई भी डाउट्स है वो आप मेरे से क्लियर करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. हाँ, अगर ये नहीं करना आपको तो यू जस्ट ज्वाइन द लाइव बैच, लेकिन लाइव बैच के लिए मिनिमम आपको 2 months मेरे साथ काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपका कोर्स कंप्लीट होगा मिनिमम, जो भी हम डेली करेंगे तो इससे पहले नहीं होगा, ठीक है. तो दिस इज माई रिकमेंडेशन अभिषेक. धीरज, यू वांट टू आस्क समथिंग? धीरज शर्मा, हेलो. यस, हाँ जी सर. सर मेरे को एक चीज पूछनी थी कि जैसे सपोज मैंने पॉलो ऑल्टो फायरवॉल का कोर्स मैंने आपसे करा था, अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है ना कि मेरे को सीसीएनए बेसिकली ब्रश अप करना है. अब वही वाली बात है जो अभी आपने कही कि अब वो पूरा कोर्स अब मेरे लिए कुछ उसमें यूजफुल चीजें हैं, कुछ उसमें यूजफुल नहीं है. तो कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक्स आप कुछ बता सको, एडवाइस कर सको कि ये चीज मेरे को पढ़नी ही पढ़नी है तो मैं उसी पे ज्यादा बेसिकली फोकस करूंगा. ठीक है, सीसीएनए ने पूछा आपने? हाँ जी सर, सीसीएनए मतलब आई मीन राउटिंग स्विचिंग में से स्पेसिफिक टॉपिक्स है कि ये आपको कवर करने ही करने हैं, पढ़ने ही पढ़ने हैं फॉर एनी फायरवॉल सर्टिफिकेशन और एनी फायरवॉल जॉब. तो वो एक बहुत सी चीजें हैं जैसे राउटर रीसेट करना, पासवर्ड चेंज करना, कई सारी चीजें ऐसी सारे टॉपिक्स है. वो एक फिर वो वेस्ट ऑफ टाइम है बेसिकली सर, मतलब अगर ऑफिस भी चल रहा है और उसके साथ ये सब भी मैनेज करना है तो. देखो एक्चुअली क्या है कि जो नया सिलेबस हमारा बना है सीसीएनपी सीसीएनए, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपको ना ऐड कर दिया गया है, लॉट ऑफ टॉपिक्स एडेड, ठीक है. तो सबसे पहले तो आई थिंक अगर आपको नेटवर्क फंडामेंटल्स पता है, आपको ये पता है राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, पीओई स्विच क्या होता है, सर्वर्स क्या होता है, आर्किटेक्चर क्या होते हैं, लीफ स्पाइन वैन क्या होता है, स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस क्या होता है, ऑन प्रीमिसेस वर्सेस क्लाउड क्या होता है, फाइबर्स के बारे में पता है, इथरनेट के बारे में पता है, तो आप इस पर्टिकुलर नेटवर्क फंडामेंटल को स्किप कर सकते हो. देयर इज नो पॉइंट, राइट, कि आपको उसको जानना है, लेकिन आपको पता है तो ठीक है. अगेन सबसे इम्पोर्टेंट एक लाइफ लॉन्ग जो यूजुअल चीज होती है वो होती है आपके ये नेटवर्क एक्सेस, जिसमें आपको वेलेंस पता ही होना चाहिए, ट्रंकिंग पता ही होना चाहिए, लेयर 2 लेयर 3 इथरनेट पता ही होना चाहिए, आपको एसटीपी आरएसटीपी पता ही होना चाहिए. अगर ये नहीं पता है तो आप स्विचिंग में हमेशा परेशान होगे, जहां स्विच मिल जाएगा आपको विलन कॉन्फिगर करना होगा तो आप नहीं कर पाओगे. तो ये आपको समझना पड़ेगा कि वेयर यू आर लैकिंग. स्विचिंग नहीं आती है सीसीएनए लेवल तो आपको ये विलन वगैरह पढ़ना ही पड़ेगा. अगर आपको वायरलेस में थोड़ा बहुत हाथ पर मारना है तो वायरलेस पढ़ना ही पड़ेगा आपको. सो अगर आपको वायरलेस नहीं सीखना है तो जस्ट फोकस ऑन फ्रॉम दिस मॉड्यूल, इतना आप पढ़ के छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. ये तो हो गया स्विचिंग के बाद. अब आती है तीसरी राउटिंग की बात. अब राउटिंग में क्या है आपका, राउटिंग में आईपी कनेक्टिविटी में रहो, इसमें आपको पूरा ही आना चाहिए. दिस इज माई 100% रिकमेंडेशन कि इस मॉड्यूल को आपको कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए. इट्स कंप्लीट राउटिंग, क्योंकि एक ऐसी चीज है कि अगर आप फायरवॉल इंजीनियर बनते हो ना तो आपको राउटिंग की जरूरत पड़ेगी वहां पे. आपको नेक्स्ट होप, एडमिन डिस्टेंस, मैट्रिक, गेटवे, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच, ये सब की जरूरत पड़ेगी. डिफॉल्ट राउट सब की, ये ओएसपी भी जरूरत पड़ेगी आपको, ये आप स्किप नहीं कर सकते हो. सीसीएनए में 25% चीज ऐसी है और 20% इसको मान लो कि जो 35% चीज है आप इसको नहीं आप स्किप कर सकते हो. प्लस आपको बेसिक चीजें जैसे नेट क्या होता है, आपको फायरवॉल में यूज होगा, आपके एनटीपी सर्वर हर जगह यूज होगा, डीएससीपी डीएनएस हर जगह यूज होगा, एसएनएमपी हर जगह यूज होगा, डीएससीपी हर जगह यूज होगा, एफटीपी टीएफटीपी हर जगह यूज होगा. तो इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते हो. तो कितना हो गया, 20, 45 प्लस 55. बाकी चीजें जो है ना सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, अब ये ऐसी चीजें हैं कि जैसे आपको एक जैसे एक होता ना जैसे कि कुछ लोग बहुत अच्छा मतलब बातें करने में बड़े अच्छे होते हैं, उनको ज्ञान इतना होता है कि किसी भी टॉपिक पे आप उनसे बुलवा लो, दे विल एबल टू एक्सप्लेन, ठीक है. तो अगर आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है, जो आपको कोई पूछे थ्रेट क्या होता है, तो आप उस पे 5 मिनट 10 मिनट नॉन स्टॉप बोल सको. समझ गए बात?
आपको वल्नरेबिलिटी के बारे में बोलना हो तो बोल सको, ये सब ऐसी चीज है जो आपको नेक्स्ट लेवल लेके जाती है, क्योंकि ये सब वर्ड ना आपको फायरवॉल में भी यूज होते हैं, ये सब वर्ड आपको फायरवॉल में यूज होते हैं, आपको यूजर अवेयरनेस ट्रेनिंग फिजिकल एक्सेस कंट्रोल ये सब के बारे में, आपको VPNs क्या होती हैं ये हर जगह यूज होता है, DHCP स्नूपिंग है। तो कहने का मतलब कि हर टॉपिक एटलीस्ट ये तीन टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप कर सकते हो, आखिरी को स्किप कर सकते हो, ऑटोमेशन नहीं जाना है तो छोड़ दो, नेटवर्क फंडामेंटल छोड़ दो, लेकिन अगर मेरे से ऑनेस्टली पूछो तो CCNA का हर टॉपिक हर एक इंजीनियर को आना ही चाहिए अगर आपको एक फ्यूचर रेडी इंजीनियर बनना है। तो फ्यूचर रेडी इंजीनियर का मतलब कि अगर फ्यूचर इंजीनियर बनना है तो आपको CCNA और CCNPIN कोर आपको करना ही चाहिए, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी चीजें सीखने को मिलता है, ऑटोमेशन के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, राउटिंग स्विचिंग तो मिलता ही मिलता है, वो आपको बहुत अलग कर देगी लोगों से। शॉर्टकट मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ किसी को, कभी नहीं सजेस्ट करता हूँ और आपको भी नहीं करूंगा सजेस्ट कि शॉर्टकट जाओ, जस्ट डू कंप्लीट कोर्स, समझो उसके बारे में कि प्रोग्रामिंग में हमारा ऑटोमेशन में जेसन का मतलब क्या होता है, पाइथन का मतलब क्या होता है, कर्ड का मतलब क्या होता है, REST APIs क्या होती है, Northbound Standard API क्या होती है, यार कभी ना कभी तो सीखना पड़ेगा ना। तो जब CCNA में जब सिखाने के लिए डाले रखा तो why can not start? CCNA तो बेसिक है सर, इसके बिना आज नहीं तो कल पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, एनवायरनमेंट में काम करेंगे तो मिलेगा ही मिलेगा, ये मिलेगा ही मिलेगा, ये सारी चीज मिलना ही मिले। आनंद बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं सर, CCNA अभी हम लोग का शुरू हो रहा है क्या? CCNA हाँ शुरू होगा, क्योंकि एक हम लोग का कस्टमाइज बैच बनाते हैं एक नया तरीके से बैच, जिसमें मतलब CCNA का पार्ट में मोस्ट ऑफ पार्ट इंपॉर्टेंट कवर करते हुए CCNA में जाते हैं इनकोड में। हाँ बिल्कुल बेटर रहता है, हाँ बिल्कुल वही करेंगे। तो हम लोग सब ज्वाइन करते हैं उसी में, क्योंकि पूरा आई मीन दो महीने सोर्स टू डेस्टिनेशन ले जाना ऑफिस के साथ दिक्कत होता है, तो एक कस्टमाइज मुझे पता है, मैं तभी बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी प्लान हमने किया है राइट आप लोग के लिए, और ऑलरेडी रोड मैप बना हुआ है, और अभिषेक सर अभी जस्ट कंफर्म करेंगे आज या कल में आप लोगों को कैसे करना है, ठीक है? सो आई बिलीव एनी अदर क्वेश्चन, क्योंकि हमने मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखो ब्रीफली जहाँ से मैंने स्टार्ट करना था मैंने किया नहीं, आप लोग इतना अच्छा क्वेश्चन पूछे कि मुधर ही अटक गया। तो देखो कोई भी सर्टिफिकेशन अगर नेटवर्किंग में जाना है राइट, सो आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशन के ऑप्शन होते हैं राइट, आप यहाँ से जैसे मैं यहाँ जाता हूँ तो सिस्को भी सर्टिफिकेशन होते हैं हमारे पास, एंट्री लेवल का होता है राइट, एसोसिएट लेवल का होता है, स्पेशलिस्ट लेवल का होता है, प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट लेवल का होता है, कोई भी सिस्को का सर्टिफिकेशन आप कर सकते हैं। क्यों करेंगे सिस्को का सर्टिफिकेशन? क्योंकि इसका मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है राइट, कोई भी वेंडर उठा लो सबसे ज्यादा कोई पूछने वाला सिस्को है, सबसे ज्यादा जॉब्स किसी के हैं तो सिस्को की है, तो जहां पे सबसे ज्यादा जॉब्स हैं उसके सर्टिफिकेशन भी सबसे ज्यादा लोग करेंगे, सबसे ज्यादा उसकी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज भी रखेंगे। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, मान के चलो कुछ नहीं आता है, तो जस्ट गो विद CCNA जो एसोसिएट लेवल, एंट्री लेवल की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं। एंट्री लेवल में क्या होता है कि जैसे आपको एंट्री लेवल का जो प्रोग्राम इन्होंने बनाया है इसको सिस्को सर्टिफाइड सपोर्ट टेक्नीशियन CCST, तो आपको इसको करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट CCNA कर सकते हैं। CCNA करने के बाद आप CCNP इंटरप्राइज में इनकोर NRC कर सकते हैं, इसके साथ SD1 पढ़ सकते हैं राइट, फिर यू कैन गो फॉर द CCI। तो CCI मैं तब बोलता हूँ किसी को करने के लिए अगर आपके पास 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, थोड़े पैसे हो गए, क्योंकि CCI करना के लिए पैसे भी 2-4 लाख रुपए चाहिए आपको, ऐसा नहीं हो पाएगा, तो एग्जाम फीस ही ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख रुपए है इसका, और फेल होने के बाद सब डूब जाता है राइट, तो कुछ मिलता है नहीं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक बहुत स्टेबल इंजीनियर बन जाओ, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, SD-WAN के, SD-Access के, CCNA, CCNP, ऑटोमेशन, तब जाके आप CCI करो और फिर देखो उसकी वैल्यू क्या होती है। तो दिस इज द रोड मैप, आप लोग यहाँ से करियर स्टार्ट कर सकते हो जब भी आप अगर फ्रेशर हो तो, बट CCNA हाईली रिकमेंड करना ही चाहिए, फिर CCNP करो, CCNP के ही स्पेशलिस्ट और प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जिसमें NP के अंदर NRC इनकोर और SD1 करते हो तो आपको प्रोफेशनल प्लस स्पेशलिस्ट का कोर्स मिल जाता है, एक करोगे तो स्पेशलिस्ट होगा, दो कर लोगे तो आपको प्रोफेशनल मिल जाएगा, और फाइनली आपका CCI का कोर्स होता है। इस तरीके से आपकी सर्टिफिकेशन जर्नी हो सकती है। एंड हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑलरेडी अपकमिंग बहुत सारे हम ट्रेनिंग देते रहते हैं, तो आप लोग हमारे यहाँ CCNP इनकोर NRC डेटा सेंटर भी हमें स्टार्ट करने वाले हैं, CCNA ऑलरेडी, SD-WAN, वर्सा, फोर्टिनेट, सब पालो अल्टो फायरवॉल, ये सारी चीजें हमारे यहाँ चलते रहती है। एंड ऑल्सो लाइक वी आर द पार्टनर लाइक Zscaler के, हमारे पास लाइक ऑलरेडी हमने सब कुछ बना रखा है, तो क्योंकि लैब Zscaler नहीं हो सकती है, तो अगर आप लोगों को वीडियो कोर्स चाहिए होगा तो एनी टाइम यू कैन कम एंड टेक द वीडियो कोर्सेस राइट, जिसके अंदर सब कुछ, क्योंकि लैब अगर Zscaler लेने जाओगे तो नॉट टू अस, आपको Zscaler को $1200 पे करना पड़ेगा। तो अगर कोई 2-4 लोग आते हो मेरे पास कि हम इतना पे करने के तैयार हैं प्लस
लाइक जो भी है ग्विनेट का चार्जर वो पे करने का तैयार हो, तो दैट इज गोइंग टू बी स्टार्ट राइट। तो इसमें क्या है कि आपको 1200 USD तो आपको जीस कलर को ही देना पड़ेगा लैब एक्सेस देने के लिए एंड फिर इसके क्लास, इट्स वेरी कॉस्टली, वेरी कॉस्टली, ऑलमोस्ट 1 लाख का आपका लैब एक्सेस हो जाएगा अगर आप लेते हो तो। फिर इसके बाद इस पे जो टाइम लगेगा जो आपको ट्रेन करने में, तो इसलिए हमने क्या किया कि नो मींस मेनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड दिस, अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन इतना लैब कॉस्टली जीस कलर से लेना मतलब वन मंथ के लिए इट्स नॉट लाइक यू नो गुड डील। तो आपके पास कंपनी में ऑलरेडी जीस कलर यूज हो रहा है एंड यू वॉन्ट टू गेट द डीप डाइव भाई कैसे है, टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे लैब करेंगे, तो सारी चीजें हमने रिकॉर्ड करके रखा है, आप लोग यू कैन गेट दैट यू नो वीडियो एक्सेस और आप उस पर पूरा अपना अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो कैसे कैसे क्या चलता है राइट। और इससे अगर जीस कलर आपके डेट में आज के डेट में आप लोग करते हो तो योर करियर विल बी द नेक्स्ट लेवल। अभी अगले 1 हफ्ते तक जीस कलर का फ्री वीडियो मिलेगी आपको, बिल्कुल फ्री वीडियो दूंगा, बिल्कुल एक सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें 5-6 क्लासेस होंगे राइट, और ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, बस अपलोड करना है, तो यू गेट द फ्री वीडियोस, तो उसमें अवेयरनेस लोगों के पास आएगी क्या क्या चीजें हैं कैसे कैसे हैं, तो यू गेट द मोर बेनिफिट राइट। सो अभी मैं आज या कल में लॉन्च कर दूंगा ठीक है, तो आप लोग उसको देखो, आप इंजॉय करो, देखो क्या होता है जिस कलर में, जिस कलर GIA क्या होता है, GPA क्या होता है, JDX क्या होता है, जिस कलर का पैकेट फ्लो समझो कि जिस कलर का पैकेट फ्लो क्या होता है स्टेप बाय स्टेप, जो आप लोग पूछ रहे हो ना कि पैकेट फ्लो, तो मैं पैकेट फ्लो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, तो जिस कलर का आपको पैकेट फ्लो समझना पड़ेगा कि कहाँ गया, जिस कलर का पैकेट फ्लो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि इस पैकेट में कैसे कैसे आप लोग को सब कुछ, एक एक पैकेट कैसे ट्रेवल करता है जिस कलर के अंदर, तो लेट मी जस्ट शो यू। तो इतना मेहनत जब हमने किया है तो आप लोग उसका बेनिफिट्स भी उठाओ। सो कहाँ गया जी स्केलर Part 1 Part 2 किसमें होगा, लेट मी सी। देखो तो जी स्केलर के ट्रेनर खोजोगे मार्केट में सो यू विल हार्डली फाइंड द ट्रेनर्स ठीक है, और आप लोग को वीडियो भी नहीं मिलेगी इसकी क्योंकि ये बहुत ही नया है। और देखो ये आपका आर्किटेक्चर एलिमेंट जो पूरा डीप डाइव में बताया हूँ, एक एक पैकेट पे कैसे कैसे क्या होता है, कंट्रोल प्लेन क्या होता है, डेटा प्लेन क्या होता है, कैसे काम करते हैं एंड किस तरीके से इसका पैकेट फ्लो, जैसे आप लोग अगर किसी ने मेरा पॉलो ऑल्टो का पैकेट फ्लो देखा होगा, अगर उसको समझ में आ गया होगा तो आई मस्ट से कि अगर ये पैकेट फ्लो का मैं वीडियो अभी अपलोड करूंगा आप लोग समझोगे तो बिल्कुल मजा आ जाएगा देख करके क्या होता है, क्या होता है सिंगल स्कैन मल्टी एक्शन क्या होता है, क्या ट्रैफिक फॉरवर्डिंग मेथड्स क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट फॉरवर्डिंग क्या होता है, किस तरीके से आपकी एक्सपेडाइट फॉरवर्डिंग होती है, पैक फाइल्स क्या होते हैं, जीएल स्केलर ऐप क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें वेब मोबाइल बेस्ड पॉलिसी सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल डेटा DLP क्या होता है राइट, किस तरीके से आपको एक्सेस करने DNS कंट्रोल कैसे होते हैं, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ देखने को मिलेगी, हाई एबिलिटी क्या होता है जीस क्लियर का, तो बहुत सारी चीजें आप लोग को पैकेजिंग में मिलने वाला है एंड विल गेट बेनिफिटेड, क्योंकि बहुत मैं देख रहा हूँ कि हर किसी का यही रहता है कि सर मुझे जीस क्लियर नहीं आता मैं क्या करूँ, तो आई एम अरेंजिंग समथिंग फॉर यू ऑल कि ताकि आप लोग लाइफ में कुछ वैल्यू एड हो सके, जितना मैं फ्री हो सकता करता हूँ लेकिन आई एम ऑल्सो ह्यूमन ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें मजबूरी है राइट। So let me show you the loaded, fully loaded lab of the SD-WAN. जो इस lab को मैं दिखाना चाह रहा था, एक बार इसको देख लो, then we'll wrap up the session. We'll have the again follow-up session, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे एक एक डोमेन के बारे में। So अगर यहाँ पे अगर जी स्केलर के बाद अगर मैं आप लोग को SD-WAN की lab दिखाता हूँ तो देखो this lab is the you know fully loaded, जिसको हम अभी partially configure किए हैं, बैच रनिंग है राइट, सो वी आर डूइंग द स्टेप बाय, जिसके अंदर अभी तक हमने टेम्पलेट तक मतलब जितने टेम्पलेट कैसे बनते हैं वो सारे टेम्पलेट हमने कन्फिगर किया, जिसमें डिवाइस टेम्पलेट क्या होते हैं, फीचर टेम्पलेट क्या होते हैं, देखो सारा चीज हमने कन्फिगर किया यहाँ पे सब कुछ प्रीवियस बैच में। देखो डेट भी देखो 1 जुलाई को, अभी लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी 1 जुलाई को ही हुई थी, सो दिस वॉज लाइक हाउ इट वॉज डन राइट। पॉलिसी हमें अभी कन्फिगर करना है स्टेप बाय, लोकलाइज पॉलिसी क्या होता है, सेंट्रलाइज पॉलिसी क्या होता है, राउटिंग कैसे दिखती है किसी डब्बे के अंदर, जैसे मेरा VH है इसके अंदर IP से एक टनल कैसे बनता है राइट। सो बहुत लोग बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि भी हमारा सब कुछ कैसे बनता है, तो इसमें OMP जो पीयर्स हैं इसका मतलब क्या होता है, कितने राउट इसने सेंड किया, R का मतलब रिसीव, S का मतलब सेंड, I का मतलब इंस्टॉल, इसका मतलब क्या होता है, 8.8.4 का मतलब क्या, ऐसा क्यों बिहेवियर है, ऐसा क्यों दिखा रहा है राइट, तो ये सारी चीजें होंगी। फिर यहाँ पे अगर देखते हो शो IPsec आउटबाउंड कनेक्शन, तो इसका मतलब क्या होता है ये सब समझना पड़ेगा, इनबाउंड कनेक्शन अगर देखते हो आप तो ये भी आपको मतलब समझना पड़ेगा इनबाउंड का मतलब क्या होता है राइट। इसमें BFD सेशन कैसे बिल्ड होते हैं इसका मतलब क्या होता है, दिस यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड
राइट, शो ओएमपी यू नो routes, इसका मतलब क्या होता है, इस कमांड को क्यों ऐसा चलाते हैं, राइट, टैब का मतलब कितने राउट इंस्टॉल हो रहे हैं, कौन से कलर का क्या मतलब होता है, क्या इनकैप्सुलेशन होता है, CIR जो है वो रनिंग रहता है प्रोटोकॉल, और CR जो होता है बैकअप के लिए होता है, R जो होता है किसी चीज के लिए होता है, सिर्फ R, तो इसमें R नहीं दिखा रहा है, CIR ये है ना, R ये है तो ये R है ना, सिर्फ R, सिर्फ सिंगल R, नहीं सिंगल R आपको कभी सिंगल नहीं दिखता है, नहीं सिंगल, सर, मैं बीटी के ट्रेनिंग में देखा हूँ, वहां पे तो पूरा लाइव ही था, तो CIR का मतलब उसने बताया कि आपका ये है, और वो जब डाउन होगा तो वो किस पे आ जाएगा, CR पे आ जाएगा शायद, नहीं नहीं मेरी बात मानो, ठीक है, आपको जो बताया होगा आप जस्ट रिकॉल करो, R तभी होगा जब आपके साथ CI अवेलेबल होगा, R का मतलब रिजॉल्व, C का मतलब चूजन, I का मतलब इंस्टॉल्ड, जब तक चूज नहीं होगा इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो रिजॉल्व कैसे होगा, हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, ये यू हो सकता है, सी के बाद आई हो सकता है, लेकिन यू हो सकता है, यू का मतलब होता है टी लॉक अनरिजॉल्वड होता है, तो सी आई आर के साथ सी आई चूजन इंस्टॉल तो होना ही पड़ेगा ना, कैसे, अगर चूजन नहीं होता तो कराट फिर स्टेटस इनवैलिड हो जाएगा फिर तो, सो ये सारी चीजें मैं बताता हूँ, समझना पड़ेगा, यही तो पैकेट लेवल अंडरस्टैंडिंग होती है, एंड इसी के बेस पर आपका नॉलेज बनता है, एंड यहाँ पे शो आई पी राउट देखते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे राउटिंग देखने को, सॉरी शो आई पी राउट देखो राउट, सो ये SD-WAN है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमने ऑनबोर्ड किया है, बहुत सारी चीजें हमने यहाँ बिल्ड किया है जो हम डेडिकेटेड क्लास करते हैं, एंड इसी तरीके से हमारे पास CCI, CCNP, Palo Alto, राइट, इनकोर, NRC सब कुछ हमारा है, बट यू गाइज हैव टू डिसाइड कि आपको करना क्या है, राइट, अगर आपने प्रेशर हो तो CCNA करो, इफ यू आर ऑलरेडी हैव द CCNA, CCNP करो, इनकोर, NRC करो, अगर आप CCNA, CCNP कर रखा है तो आप SD-WAN करो, आपको अगर SD-WAN आ रहा है तो Palo Alto से अपने अपग्रेडेशन बढ़ाओ, आप Zscaler सीखो, राइट, आप एडवांस CCI के लिए जाओ, बट आपको कुछ ना कुछ तो करना है, इफ यू वांट टू वर्टिकली ग्रो, आपका अगर आपका पैकेज को मल्टीप्लाई करना है 2x, 3x, 5x, जैसे आपका 5 लाख का पैकेज एंड यू वांट टू गो 10 लाख का पैकेज 2x मल्टीप्लाई करना, फिर आपको 15 लाख पे जाना है, फिर 20 पे जाना है, तो बॉस ऐसे नहीं मिलता है, यू जस्ट हैव टू ग्रेजुअली अपग्रेड योर स्किल्स, अगर मैं बोलता हूँ कि यार मेरा 8 लाख का पैकेज है और मैंने CCNA, CCNP कर रखा है, अब मुझे 15 लाख पे जाना है, राइट, तो मुझे कोई नौकरी नहीं देना है, दे रहा तो नहीं देगा भाई, बिल्कुल नहीं देगा, आपको इसके लिए SD-WAN सीखना पड़ेगा, या आपको इसके लिए Palo Alto सीखना पड़ेगा, या आपको Zscaler सीखना पड़ेगा, या आपको फिर आपको कोई F5 सीखना पड़ेगा, दिस इज शॉर्ट समरी, तो आपको प्रोग्रेसिव रहना पड़ेगा हमेशा, एंड यू ऑलवेज हैव टू यू नो रेडी टू लर्न, आपको स्टॉप नहीं होना, आप स्टॉप हो 6 महीने के लिए, साल भर के स्टॉप हो, लेकिन द मोमेंट आपने सोचा कि मुझे पैसे बढ़ाने हैं, सो यू जस्ट हैव टू स्टार्ट लर्निंग अगेन, ठीक है, ठीक सर, ओके, थैंक यू, ओके, सो सर, हाँ बताइए, हाँ बताइए सर, विष्णु, हाँ विष्णु, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे? बस बढ़िया, हमने बताइए सर, मेरे को एक डाउट था कि, हाँ बताइए, मैंने क्या ना CCNA किया, CCNP किया, SD-WAN Palo Alto भी किया, फिर सर के BGP बेसिक को एडवांस किया, MPLS किया, उसके बाद SD-WAN Viptela किया, वर्षा किया, और अभी मेरी जॉब लग गई डाटा सेंटर में। अच्छा अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं 3 साल से थोड़ी धीमे आ रही है। हेलो, हाँ ठीक, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं 2-2.5 साल से जिन चीजों को पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे डाटा सेंटर है तो अरिस्टा का सेटअप है, नेक्सस वगैरह नहीं है ज्यादा, ठीक है, अरिस्टा का सेटअप है वो, और सर्वर से मैं कंफ्यूजन में, पैसा भी अच्छा दे रहा है, मतलब अभी करंट पे 50% हाइक दे रहे हैं, तो अभी वही डाउट आ रहा है कि जाऊं नहीं जाऊं। विष्णु आंख बंद करके जाओ मेरे दोस्त, मेरी बात मानो, जाओ डेटा सेंटर सीख जाओगे 1 महीने में, मैं इस गारंटी देता हूं, ठीक है, कहीं से भी जाओ, डेटा सेंटर कोई तोप नहीं है, जिसको इतनी चीज आती है ना, जिसने SD-WAN वर्षा आपने सीख रखा है, आई नो योर फीडबैक, अरुण सर बताते रहते हैं, ठीक है, तो आपने वर्षा सीख रखा है, आपने सिस्को आया, आपको Palo Alto आता है, यार डेटा सेंटर सीख लो, लाइफ बिकम योर रॉयल, ठीक है, ट्रस्ट में, डेटा सेंटर आता साथ में राउटिंग SD-WAN के साथ, तो आप यूनिक बनते हो मार्केट में बिल्कुल, तो बिल्कुल ऑफर लो, ठीक है, और ऑफर लेकर हमें मैसेज करो, बताओ कि ऑफर मिल गया सर, देन विल सेलिब्रेट, ठीक है, और जाओ बिल्कुल बिल्कुल आंख बंद जाओ, सीख जाओगे यार, यू आर चैंपियन, चैंपियन कभी पीछे अपॉर्चुनिटी डरते नहीं, अगर मैं यही सोचता हूं कि मुझे, मैं भी बगल में ही रहता हूं एक मूर्ति पे, इको विलेज 3, अच्छा 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 अच्छा, मैंने बहुत सर्च किया तो गुई नेट ही मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जो इजी लैंग्वेज में चीजें सिखा रहा था, तो मैंने वहां पे आपका सब वीडियो देखा,
159 का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया, फिर मैंने मेंबरशिप वीडियो देखा और मैं बहुत चीजें हद तक सीख गया हूँ, लेकिन मुझे प्रैक्टिस भी करना है, पैकेट फ्लो के बारे में भी जानना है, तो मैं ज्वाइन जरूर करूंगा। गौरव जी मैं देखो हम क्या बोल सकते, वर्बली बोल सकते हैं और क्या, आप एक हमारे डेमो दो तीन चलते हैं ऐसे ही चलते रहते हैं, ठीक है, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, ठीक है, जैसे अभी हम कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं, यू कम इन द क्लास ऑलरेडी, आपका स्टूडेंट आता है, ठीक है, हम बहुत अपनी अपनी चीजों को लेकर ना मतलब बड़ा ही मतलब वो है कि ठीक है जो चीज आती आती है, ठीक है, नहीं आती नहीं आती, हम सीख लेंगे उसको, लेकिन यू पुट योर क्वेश्चन, जो भी आपको बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, यू पुट टू इन फ्रंट ऑफ द एवरीवन, वो लाइव होते हैं, ठीक है, यू विल कम टू नो कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, एंड यू कैन टेक अ डिसीजन, उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, राइट, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल कूल, एकदम बिल्कुल कूल रहने का है, सीखने का एक तरीका होता है, स्टेप बाय स्टेप सीखा जाता है। सर ये कब से लाइव स्टार्ट होगा, मतलब पहले क्लास से मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ सिस्को एसडी वैन को, वर्षा पे मैं अभी नहीं जाऊंगा, अभी अभी सिस्को एसडी वैन का बैच अभी क्योंकि अभी करंट बैच चल रहा है, सो इट इज गोइंग टू बी स्टार्ट प्रोबब्ली बाय 15-16 में आई थिंक स्टार्ट हो जाएगा आपका लाइव बैच, 16 में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है सर। दूसरा जी मैं ये बताना चाह रहा था सर, आज बीटी का भी इंटरव्यू था मेरा L3 के लिए, तो बंदा ज्वाइन ही नहीं किया जो ज्वाइन करने वाला था इंटरव्यूअर, तो वो नेक्स्ट वीक मैंने स्केड्यूल करा दिया है मंडे को, और मैं बहुत जल्दी ही लग रहा है मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं SCL में 6 साल काम किया हूँ नेटवर्क L2 पे, और उसके बाद मैं टेकम में क्रैक किया इंटरव्यू, पहले ही इंटरव्यू में ही क्रैक हो गया था टेकम, तो उन्होंने बस यही पूछा कि SD-WAN पे आपको आता है कि नहीं, मैंने कहा काम करने को मिलेगा मैं सीख लूंगा सब चीजें, लेकिन SD-WAN ऐसा है कि इसका डेप्थ नॉलेज कहीं भी मिल रहा नहीं, जैसन गूले की एक बुक है जो वो बुक मार्केट में बहुत कॉस्टली है, दूसरा क्या उसका PDF फाइल भी है तो वो स्क्रीन पे पढ़ नहीं पाता आदमी सही से। टेंशन मत लो, SCL में आप 6 साल रहे हैं ना, मैं तो जस्ट ज्वाइन किया हूं, क्या है फीडबैक थोड़ा सा 2 सेकंड मेरे को बता दीजिए। बस SCL में अभी मैंने जस्ट बात किया एक बंदे से, तो उसने कहा SCL में गधे काम करते हैं और उनके खोपा जाता है, लेकिन जब आप मैं भी SCL में हूँ, हाँ ब्रिटिश में काम करते हैं, ब्रिटिश टेलीकॉम में 10 दिन पहले ज्वाइन किया हूँ, वहाँ पे महीने में हफ्ते में 1-2 दिन काम किया जाता है, बस ये है टाइम बहुत रहता है। मैं SCL में ज्वाइन किया हूँ, मैं SCL टाटा में था, तो टाटा का भी तो मैंने सुना बड़ा अच्छा है, मैं जब इंटर किया एक साल रहा वहाँ पे, मैं ऐसे गलत वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ SCL TCS इन दो कंपनी में एम्प्लॉई से बहुत काम कराया जाता है, आप अगर बीटी में जाते हैं, टाटा का फीडबैक है मेरे पास, हाँ बीटी में जाते हैं आपको L3 पोजीशन पे मतलब जो भी माइग्रेशन होगा या जो भी फेलोवर टेस्टिंग हुआ उसके लिए प्लान 1 महीने से चलता है, और उस प्लान को 1 महीने में कंप्लीट करके फिर वो माइग्रेशन होता है, तो काम बहुत कम रहता है, मतलब मैं बीटी की बात कर रहा हूँ, काम बहुत कम है। बताना चाहूंगा मैं बैठा हुआ हूँ कि 1 घंटे से मैं मीटिंग ज्वाइन किया हूँ, मेरा वहाँ पे MS टीम पे मीटिंग लगा के मैं बैठा हुआ हूँ। सर्विस बेस्ड कंपनी होता है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक, प्रोजेक्ट होते हैं तो बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट क्या काम है, बेस्ड ऑन द वर्क, और दूसरा एक होता है जिसको कहते हैं मैनेजर, जो आपको कभी बैठने नहीं देते हैं, करेक्ट, बहुत सारे स्टार मार्क्स होते हैं कंडीशन अप्लाइड, प्रोजेक्ट कैसा मिलता है डिपेंड इस पे भी करता है, प्रोजेक्ट में सेकंड चीज एंड थर्ड चीज आपको मैनेजर कैसा मिला है, नहीं मैनेजर की कुछ बात नहीं है, TCS और SCL में वर्कलोड बहुत ज्यादा है अगर आप टेक्निकल डोमेन में जाते हैं, मैं यहाँ एज ए TD काम कर रहा हूँ टेक्निकल डिजाइनर, तो मेरे लिए मुझे लगता है कि मैं 8 साल के बाद ना अब तो मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, घर में खाली बैठा हुआ हूँ, TV देख रहा हूँ, ये सब देख रहा हूँ, लेकिन इसी से मुझे फायदा ये मिल जाएगा कि मुझे कुछ सीखने को मिल जाएगा, करेक्ट करेक्ट, ये तो फायदा है। हाँ। नहीं आपने कहा कि SCL काम बहुत लेती है फिर तो आप सीख नहीं पाए होंगे कुछ भी, मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट डोमेन। नहीं नहीं मैं आपको बताऊं मेरा रियली फैक्ट क्या हुआ, मैं SCL में एज अ नेटवर्क इंजीनियर ज्वाइन किया था नॉक नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर SCL कॉमनेट में, फिर मेरा थोड़ा सा ड्रॉप बैक हो गया, हां कोई नहीं वो फिर मैं ट्रांसफर हो गया SCL टेक्नोलॉजी में, और वहां पे मुझे एज ए इंसिडेंट कोऑर्डिनेटर 2 साल के लिए रख दिया गया, जिससे कि मेरा पूरा टेक्निकल खत्म हो गया, तो मैं फिर रीस्टार्ट किया, फिर मैं AT&T ज्वाइन किया, प्रोजेक्ट फिर स्टार्ट हुआ। ओके
सर मैंने अभी सेशन ज्वाइन किया, इसका रिकॉर्डिंग भी आप कर रहे हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल ले लेना, मिल जाएगा मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा आपको दोस्त। डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट में भी स्केल में। हाँ ये तो मैं एग्री करता हूँ, प्रोजेक्ट अच्छा मिला तो आपका फीडबैक अच्छा आएगा, गंदा मिला तो मैं जो टीसीएस में एक साल रहा और भी दोस्त थे पहले अभी भी ये बोलते हैं कि हाँ तो ऐसा है गवर्नमेंट जॉब है, जबकि मैं जाके आया हूँ एमएट में था मैं प्रोजेक्ट में एमएट क्लाइंट साइड, बहुत ही गंदी हालत थी। तो जो जैसा फील करता है फीडबैक वैसा मिलता है। नहीं नहीं बहुत अच्छा, आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, दैट्स रियली गुड। ठीक है बट अच्छी बात है, हर कंपनी देखो दो चार ही कंपनी घूम के हैं, ठीक है एससीएल है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, बीटी है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, सेंचर है, ऑरेंज है, कोल्ट है, अगर दिल्ली एनसीआर में हो तो यही सब कंपनियां घूम के मिलती हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 10 जो अच्छी कंपनियां में आती हैं। ठीक है अब पंकज सर फिर कम्युनिकेशन स्किल भी कराते हैं बढ़िया इंग्लिश बोलने का, मतलब मैं देखा हूँ जो यूएस के लिए काम करते हैं या यूके के लिए काम करते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। राइट ये इशू आता है। हाँ ये भी इशू है, जैसे मैं आईबीएम में दूंगा सब क्वेश्चन बता दूंगा लेकिन वो लेंगे नहीं ड्यू टू कम्युनिकेशन स्किल। मेरा हुआ ना, मेरा एलएनटी में हो गया था यूएस के लिए, यूएस का बंदा गया था इंटरव्यू, सारा क्वेश्चन का आंसर कर दिया मैं, सब कुछ कर दिया, वो पता नहीं फीडबैक क्या आया मेरे पास, कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं था इसलिए उसको नहीं लिया। ये फीडबैक मेल दिया गया बेसिकली उसका जिस्ट ये है कि नॉलेज तो हमारे पास बहुत है और जो है दैट इज व्हाट वी ट्राई एंड डू, पीके सर वही ट्राई करते हैं कि जो उनके पास है उसको निचोड़ के आप लोगों को सबके साथ शेयर किया जाए ताकि एवरीबॉडी कम्स ऑन द सेम पेज। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप उस नॉलेज को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं डिजायर्ड लैंग्वेज, इट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू इंग्लिश, कोई जर्मनी में काम कर रहा है थोड़ा वर्किंग जर्मन आना चाहिए, उसी तरह फ्रांस में काम कर रहा है थोड़ा फ्रेंच वर्किंग आना चाहिए, तो वी ऑलरेडी हैव, क्योंकि हमारे इंडिया में प्रॉब्लम यही है कि हम ज्यादातर अंग्रेजी में मार खाते हैं, टेक्नोलॉजी बंदे होते हैं इन जनरल मास्टर्स की अगर बात करें। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल कॉलेज से अगर आ रहे हैं टीयर वन टीयर टू टीयर थ्री, यहाँ आईआईटी के भी लोग हैं जिनकी अंग्रेजी में परेशानी है, नॉलेज बहुत है। हाँ मैं गाँव से हूँ तो मेरे तो और इशू रहता है। हाँ तो नॉलेज अगर है और उसको कन्वे नहीं कर पा रहे तो वहाँ एक वो स्टॉप गैप क्रिएट होता है, बॉटल नेक जिसको कहते हैं, कि जहाँ नीचे तो बहुत बड़ा फनल है जहाँ नॉलेज भरा हुआ है लेकिन वो बॉटल नेक में फंस जाता है, निकल नहीं पाता है क्योंकि कन्वे नहीं हो रहा। तो हमने वैसा एक मॉड्यूल डिजाइन कर रखा है जिसमें हम आगे चल के बैचेस में वो शेयर करेंगे अपने लोगों के साथ कि ना कि ना नॉट ओनली कि आपका टेक्निकल नो हाउ जो कोर्सेज को हम करा रहे हैं वो तो हमारा प्राइमरी डोमेन है, साथ में आप लोगों को इस तरह के मॉड्यूल्स से कम्युनिकेशन एज वेल एज हाउ टू फेस द इंटरव्यू एंड गेट थ्रू वो 15-20 मिनट का ही होता है इन जनरल इंटरव्यू जो इफेक्टिव होता है आपके सिलेक्शन या रिजेक्शन के लिए। तो पीके सर के एक्सपीरियंस के साथ और भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को लाके आप लोगों के साथ क्रॉस टेबल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज वैसे करा के सेमिनार्स करा के सो दैट वो कॉन्फिडेंस जो मतलब ये वैसे लोग होंगे जो 15-20 साल से हायरिंग ही कर रहे हैं तो उनका एक्सपर्टीज जब आप लोगों को मिलेगा क्रॉस क्वेश्चन करेंगे आप लोग करना है और साथ में वो कम्युनिकेशन वाला मॉड्यूल हम चलाएंगे जिसमें कुछ मतलब बेसिक नहीं एबीसीडी हम नहीं सिखाएंगे बट इंटरव्यू में 15-20 मिनट खड़े कैसे रहना है कैसे फेस करना है कैसे जवाब देना है एक स्ट्रक्चर होता है उसका इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के थ्रू वो कन्वे करने की कोशिश करें तो आई थिंक दैट विल बी यू नो अ पॉजिटिव थिंग फॉर एवरीवन। तो बेसिकली कुछ होता नहीं एक हिंड्रेंस होती है एक झिझक होती है कि भाई मैं कर पाऊंगा मैं बता पाऊंगा right. बैरियर को ही हम क्रॉस करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। अंग्रेजी तो आपको कोई भी भाषा किसी को कोई नहीं सिखा सकता ठीक है, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है थोड़ा सा जो है माइंड गेम्स के साथ थोड़ा सा इंटेलिजेंट होकर थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट होकर तो वो जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं उनकी हेल्प से थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से एनरिच करने की हम आप सबको कोशिश करेंगे क्योंकि आइडिया ये नहीं है कि सिर्फ कोर्स कराना है, कोर्स करके आप उसका क्या कर रहे हो, तो अगर आपको हम जॉब रेडी नहीं करते हैं तो कोर्स करने का हमारा पूरा मोटिव भी बेकार हो जाता है। सो वी विल ट्राई एंड हेल्प यू टू द बेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल जो हम कर सकते हैं। ओवर टू यू पीके। सो या थैंक यू सो मच विशाल सर यार फॉर इनसाइट्स। सो गाइज आई बिलीव we have done lot of good discussion ठीक है, तो एक हम फॉलो अप सेशन इसका रखते हैं क्योंकि अभी नेक्स्ट मेरा अभी कुछ प्लान है मीटिंग सो आई नीड टू ड्रॉप ऑफ राइट, सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन और हम ऑल डिटेल में बात करेंगे इसके रिगार्डिंग ठीक है, करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन जॉइनिंग। थैंक यू बाय बाय। टेक केयर। थैंक यू सर। बाय बाय बाय।